नेटवर्क बहुत ही ज्यादा खराब है और सुनने में नहीं आ रहा है, तो आराम से क्लास छोड़ के जा सकते हो, देर इज नो प्रॉब्लम, प्रोवाइडेड तुम बाद में उसे देख लो। हाँ मतलब मैं सर्विलेंस वैसा नहीं रखूंगा कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैं उसे ईगो में नहीं लेता हूँ कि अरे तुमने नहीं देखा, पर नेक्स्ट क्लास से पहले तुम्हें देख के आना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास में, या एक टाइम टेबल बना लोगे कि ठीक है सर रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं तो मैं रिकॉर्डिंग ही देखूंगा। तो मॉडल्स जो है, और जो लोग नए हैं कहीं पे डाउट होगा तो मुझे रोकोगे, मॉडल्स का मतलब है कि वो जब भी तुम कोई एक आर्गुमेंट देते हो तो वो पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, मतलब 0.3.2 का मॉड 3.2 ही होता है, और अगर -4.5 में मॉडल्स डालते हो तो वो 4.5 हो जाता है। इसका मतलब मॉड एक्स कैसे बिहेव करता है, मॉड एक्स एक्स ही होता है अगर एक्स पॉजिटिव है, मगर अगर एक्स नेगेटिव है, इक्वल टू होने से भी तुम लिख सकते हो मॉड एक्स इक्वल टू एक्स, अगर एक्स नेगेटिव है तो मॉड एक्स को क्या कर रहे हो, देखो नेगेटिव होने का मतलब ये हुआ ना कि -4.5 को तुम -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, क्योंकि जब तुम दो माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक पॉजिटिव क्वांटिटी मिल जाएगा, इसलिए अगर एक्स नेगेटिव है तो तुम एक्स को -1 से मल्टीप्लाई करो। तो इसको नॉर्मली ऐसा लिखा जाता है मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर एक्स नॉन नेगेटिव है और माइनस एक्स अगर एक्स नेगेटिव है। मतलब अगर एक्स नेगेटिव होता है, अगर एक्स नेगेटिव होता है तो जब मॉड हटेगा तो यू कैन नॉट राइट इट एज एक्स, और इस माइनस को देख के मत घबराओ रे, क्योंकि एक्स के अंदर भी एक माइनस है, ध्यान से देखो एक्स नेगेटिव है तो अगर एक्स नेगेटिव होगा तो तुम जानते हो माइनस एक्स पॉजिटिव होगा, तो केवल ये माइनस दे के ये मत सोचो कि एक नेगेटिव क्वांटिटी है, एक्स भी नेगेटिव है इसलिए ये एज अ होल ही एक पॉजिटिव क्वांटिटी बन जाता है। मतलब अगर मैं तुमसे कभी पूछूं कि सपोज एक्स 2 से लेके 10 तक है और मॉड ऑफ एक्स माइनस 20 का वैल्यू क्या होगा अगर मॉड हटाऊं तो अब मुझे तुम मुझे बोलोगे आर्गुमेंट जो है, आर्गुमेंट केवल एक्स माइनस 20 है, थोड़ा बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एक्स जब 0 से लेके 10 के बीच में होगा तो एक्स माइनस 20 पॉजिटिव क्वांटिटी होगा या नेगेटिव क्वांटिटी होगा? Negative. ये अगर 2 से लेके 10 तक है तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी, तो नेगेटिव क्वांटिटी में जब मॉड हटाओगे तो मैंने क्या बोला किससे मल्टीप्लाई करोगे? -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उल्टा होगी क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। मगर वही चीज अगर मैं पूछता कि सपोज एक्स मेरा 100 से बड़ा है और मुझे एक्स माइनस 50 चाहिए तब क्या होगा? पॉजिटिव। तो x अगर 100 से बड़ा है तो x माइनस 50 का आर्गुमेंट जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, तो ये डायरेक्टली x माइनस 50 हो जाता है। किसी को लिखने का मन है तो लिखो, फिर आगे चलेंगे। ये डेफिनेशन है मेन, ये डेफिनेशन है मेन, ठीक है? थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिखो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है? स्लोली करवाऊंगा। अच्छा, पहला क्लास है, कुछ और भी चीजें डिस्कस भी करेंगे फ्यूचर में, किस टाइप से जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं मैं उन्हें कैसे हेल्प कर सकता हूँ, और जो ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं वो तो उनके लिए तो ऑनलाइन रहेगा ही चीजें। अपना वो ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को। चलूं आगे? यस सर। हाँ सर, ठीक है, और किसी को भी डाउट है तो मुझे बोलेगा। हाँ एकदम, ग्राफ में बाद में जाते हैं, हाँ पहले हम लोग अब चीजों को सॉल्व करते हैं। तो अगर मैं तुमसे पूछूंगा कि सॉल्व करो मॉड एक्स माइनस 50 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? एक्स माइनस 50 जब हटता है तो ये दो वैल्यू दे सकता है, प्लस और माइनस का, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब मैं मॉड एक्स का वैल्यू 3 लेता हूं तो x केवल 3 नहीं और एक पॉसिबिलिटी दे सकता है -3। तो उस लॉजिक से जब तुम लिखोगे
तो x माइनस 50 तुम्हें दो वैल्यू देगा, या तो ट्वाइस x या तो क्या माइनस ट्वाइस x, मॉड अगर हटाओगे तो। इसका मतलब x माइनस 50 अगर ट्वाइस x है तो इसका मतलब x का वैल्यू माइनस 50 है। और एक पॉसिबिलिटी है, अगर x माइनस 50 का वैल्यू माइनस ट्वाइस x है, इसका मतलब जस्ट वेट अ मिनट, तो किसी किसी को हो सकता है कि लिंक नहीं मिला। हेलो, चलो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ ठीक है, मैं फोन ऑन रख रहा हूँ थोड़ा, कि कोई कोई बंदे को हो सकता है लिंक नहीं मिला हो इसीलिए, ये कोई दूसरा फोन था। तो नॉर्मली मेरा फोन साइलेंस में रहता है, उस चीज का चिंता नहीं करना है आज, बस अभी के लिए आधा घंटा साइलेंस में नहीं है। 3x = किसी किसी को अभी मैं पता चलेगा कि मैं क्लास कर रहा हूँ तो लिंक के लिए फोन कर सकते हैं। 50/3 तो कितना सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन या दो सोल्यूशन बोलो? दो सोल्यूशन नहीं है, दो सोल्यूशन सर। क्यों? जब तुम x माइनस 50 को ट्वाइस x में ये डालोगे तो देखो एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्रॉस चेक करके देखो। जब तुम x का वैल्यू माइनस 50 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? हल्ला हो सकता है रे, ये स्कूल वाला केस नहीं है। हाँ बोलो, हर कोई हल्ला करके बोल सकता है। नेगेटिव। x माइनस 50 पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेगेटिव होगा। मगर ट्वाइस x नेगेटिव, सॉरी x माइनस 50 क्या होगा? सॉरी तुम लोग गलत बोल रहे हो, x जब माइनस 50 होगा तो मैं इस पूरे मॉड का वैल्यू पूछ रहा हूँ, इस मॉड के साथ का वैल्यू पॉजिटिव। सॉरी हाँ, किसी किसी को डाउट हो सकता है, मैंने गलती इस पूरा, हाँ ये मॉड, ये गलती मैंने उस वक्त कहा, x मैंने आर्गुमेंट नहीं, मैं इस पूरे क्वांटिटी का बात कर रहा हूँ, ये पॉजिटिव होगा मगर ये क्या हो गया नेगेटिव, क्या तो पॉसिबल है, क्या लिखोगे बोलो? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, तो हेंस एक ही पॉसिबिलिटी है, x का वैल्यू कितना है बोलो? 50/3। हाँ ये चलेगा। तुम बोलोगे सर आपने चेक नहीं किया, नहीं 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 मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है, मैग्नीट्यूड के टर्म में तो सेम होगा ही क्योंकि मैंने इसे सॉल्व किया है। तो तुम्हें एक यहां से तुम्हें एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज मिला कि यू हैव टू क्रॉस चेक द सॉल्यूशन। और ये कोई नया चीज नहीं है, ये हमें करना पड़ता है सर। क्यों क्यों नहीं करना पड़ेगा? एकदम बेसिक इक्वेशन है, x का वैल्यू 2 लेता हूं तो x स्क्वायर 4 हो जाएगा। मैं जाओ सॉल्व करोगे तो x प्लस माइनस 2, देखो शुरुआत 2 से हुआ तुम्हें प्लस माइनस 2 मिला। तो क्रॉस चेक करना तुम जानते हो, हम इससे पहले भी क्रॉस चेक करके देख चुके हैं जब हम लोग मैट्रिक क्लास 10 क्लास 9 में चीजों को स्क्वायर करके सॉल्व करते थे। तो किसी को लिखना है तो लिख लो। हाँ आज का क्लास मैं रिलेटिवली स्लो लेके जाऊंगा, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। हाँ लिखने का जो टाइम दूंगा मैं ये लिखने के लिए देता हूँ, बेटर है अगर तुम लोग लिखोगे तो, और बस वीडियो देखते रहोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आज का क्लास एक्चुअली ये चीज मैंने उसमें उन लोगों को कहा था जब A3 में क्लास करा रहा था कि आज का एटलीस्ट क्लास ऑफलाइन अगर हो जाता तो अच्छा था, क्योंकि बोर्ड का तुम लोगों को ट्रेंड पता चल चुका है कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है। एंट्रेंस का एटलीस्ट एक क्लास भी अगर ऑनलाइन हो जाता तो उसके बाद ऑफलाइन हो जाता, ऑनलाइन करने में चीजें थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल होता मेरे लिए। चलो लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। चलो आगे चलो। हाँ सर आगे चल रहा हूँ। लिखोगे रे, मैं फिर से कह रहा हूँ लिखोगे? हाँ एकदम, अगर नहीं लिखोगे तो फिर हो सकता है कि मैं तुम्हें नहीं समझा पाऊँ चीजों को जो चाहता हूँ। हाँ
ब्रेक करने के लिए बोल रहा हूं मॉड ऑफ 3 माइनस एक्स। तो यहां पे मॉड का आर्गुमेंट क्या है, यहां पे मॉड का जो आर्गुमेंट है वो है क्या आर्गुमेंट है, जब मैं बोलता हूं तो मॉड मॉड को छोड़ के, हाँ मॉड को छोड़ के 3 माइनस एक्स, तो ये कैसा दिखेगा, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, हमें अभी 2-3 जगह जरूरत पड़ेगा इस चीज का, या ऑलमोस्ट मैक्सिमम टाइम जरूरत पड़ता है। तो जब आर्गुमेंट पॉजिटिव होता है तो तुम सेम लिखते हो, मतलब ये 3 माइनस एक्स होता है, मगर जब आर्गुमेंट नेगेटिव होता है तो इससे किसे किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, थ्री माइनस एक्स को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ऐसा मैं नहीं लिख के डायरेक्टली, तब इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि ये 3 माइनस एक्स दिखेगा अगर एक्स 3 से छोटा है, तभी 3 माइनस एक्स 0 से बड़ा होगा, और ये एक्स माइनस 3 दिखेगा अगर एक्स 3 से बड़ा होगा। तो जस्ट आर्गुमेंट के टर्म में बोलोगे, तो अगर मैं तुमसे कभी बोलता हूं कि मेरे पास सपोज माइनस इनफिनिटी से एक्स 5 तक है और आर्गुमेंट ऑफ एक्स माइनस 5 कैसा दिखेगा, तो देखो एक्स अब क्या बोलोगे, इस वाले इंटरवल का मतलब है एक्स 5 से छोटा है, अगर एक्स 5 से छोटा है तो ये जो आर्गुमेंट है ये आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव। और जब मॉड हटाओगे तो ये तब क्या बन जाएगा, 5 माइनस 6, क्योंकि तुम माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, नेगेटिव। समझ में आया, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं सर, थोड़ा ठीक है। हो गया सर, तो अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जरा यहाँ पे चीजों को ध्यान से देखो जो अभी मैं करवा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि तुम्हें बहुत टाइम जरूरत पड़ेगा कि तुम्हें ब्रेक करने के लिए बोला जाएगा कि x माइनस 5 के साथ x माइनस 10 है और इसे ब्रेक करके दिखाओ कि ये क्या होगा, क्या क्या बनेगा। तो ऐसा देखने के लिए तुम्हें ये देखना है, देखो तुम जैसे मैंने जब 3 माइनस एक्स किया तो ये अपना साइन कहाँ पे चेंज कर रहा है, जब x 3 से छोटा था जब x 3 से बड़ा था, और ध्यान से देखो x इज इक्वल टू 3 जो होता है वो इसका रूट होता है, मगर किसी एक रीजन से मैं इसे रूट नहीं बोल के इसे इसका क्रिटिकल पॉइंट बोलूंगा, हाँ इसका एक रीजन है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा मैं क्यों ये नाम बोल रहा हूँ। मतलब अगर अब मैं तुम्हें कभी पूछूं कि x प्लस 10 कहाँ पे चेंज होगा, अपना साइन कहाँ पे चेंज करेगा, तो क्या बोलोगे, जहां पे ये 0 होता है मतलब x का वैल्यू क्या, -10, इसे मैं क्रिटिकल पॉइंट बोलूंगा। जब मैं कभी तुमसे पूछूंगा कि x प्लस 7 प्लस x माइनस 2 में कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, तो तुम बोलोगे सर 2 क्रिटिकल पॉइंट है, ये 2 जगह साइन चेंज करेगा, कहाँ कहाँ, इसके 2 क्रिटिकल पॉइंट होंगे, एक जहां पे -7 और 2 होता है -7 और एक जहां पे ये 0 होता है, कहां पे, 2 में, क्योंकि ये वो जगह है जहां पे फंक्शन अपना साइन चेंज करता है। मगर तुम बोलोगे सर आपने क्रिटिकल पॉइंट नाम क्यों दिया, नहीं वो अभी मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, मैं बस ठीक है मैं रूट रूट को क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा हूँ, क्या जा रहा है क्रिकेट, ठीक है, बाद में तुम देखोगे वो जगह है जहां पे कुछ डिफरेंशिएशन डज नॉट एग्जिस्ट होता है, एक रीजन होता है उसका, मगर अभी बस क्रिटिकल पॉइंट नाम रखो। तो अगर मुझे इसे ब्रेक करना है, जैसा मुझे इसे ब्रेक करना है एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 10 को, हर एक चीज लिखने का जरूरत नहीं है रे, एक्स माइनस 5 और एक्स माइनस 10 का, तो मुझे बोलो इसके क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मुझे मालूम है कि क्या होंगे, एक x इक्वल टू 5 और एक कहाँ पे, जब x माइनस 10 जीरो होता है तो ये कब जीरो होगा, जब x का वैल्यू क्या मिलेगा बोलो, 10। तो अगर मैं रियल लाइन में तुम्हें बोलूं तो रियल लाइन में तुम्हें दो रियल लाइन में माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक तुम्हें इसे ब्रेक करना होगा, ध्यान से देखोगे हाँ, जैसे वैविक कर्म में रूट निकालने के लिए करते थे 5 और 10, और रियल लाइन को तुम 3 अलग अलग पार्ट में लोगे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। मैं और एक सम करवाऊंगा, पहले ही बोल देता हूँ ये ऑनलाइन है, मैं और एक सम करवाऊंगा, पर प्लीज यहाँ पे ध्यान से देखो, जहां डाउट है तो बोलोगे।
तो अब क्योंकि ये तीन जगह में वो ब्रेक करता है, तो ये तीन जगह को तुम एक साथ ही आंसर नहीं लिख सकते हो, तुम्हें तीन बार ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहला केस मैं लेता हूं, केस नंबर वन, एक्स जब मेरा फाइव से छोटा है, वाई इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस फाइव प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टेन। मैं जानता हूं कि जब मैं इक्वल टू दे रहा हूं तो ये जीरो हो सकता है, ये वाला, हाँ फाइव माइनस फाइव जीरो होता है, मगर जीरो का एक खासियत है, जीरो को तुम जीरो भी लिख सकते हो और जीरो को माइनस वन से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, हाँ या ना, बात बराबर है या नहीं? बात बराबर है, तो इसीलिए तुम जीरो को पॉजिटिव में भी ले सकते हो, नेगेटिव में भी ले सकते हो, यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मॉडुलस के लिए तुम मान सकते हो जीरो इज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये कॉन्सेप्ट गलत है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, पर मॉडुलस के लिए हम लोग जीरो को जीरो भी लिख सकते हैं और माइनस जीरो भी, तो इसलिए उसके लिए चिंता नहीं करोगे। तो x अगर 5 से छोटा है, तुम बोलोगे सर इक्वल टू भी है, इक्वल टू को छोड़ो, मैंने वही बोला, समझाया अभी, x अगर 5 से छोटा है तो x माइनस फाइव पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, कोई भी एक वैल्यू डाल के देख लो, 5 से छोटा कोई भी एक वैल्यू नेगेटिव, वरना इतना तो मैथ तुम भी जानते हो ना रे, ये तो हर कोई जानता है, अगर x 5 से छोटा है तो x माइनस फाइव क्या होगा, x माइनस फाइव नेगेटिव होगा, और x माइनस टेन क्या होगा, नेगेटिव, नेगेटिव होगा क्योंकि x 5 से छोटा है। अब नेगेटिव वाले में जब तुम मॉड हटा देते हो तो वो किससे मल्टीप्लाई हो जाता था, माइनस वन, इसलिए ये हो जाएगा 5 माइनस x प्लस 10 माइनस x इज इक्वल टू 15 माइनस ट्वाइस x। ये मैंने केस वन लिया, केस वन मतलब मैंने ये वाला पार्ट लिया, ये रेड वाला, तो अब मुझे ये ब्लू वाला पार्ट दे, तो ब्लू वाला कहां से कहां तक है, 5 से 10, ब्लू वाला मेरा 5 से लेके 10 तक है, तो इसीलिए अगर मैं सेकंड केस में जाऊंगा तो क्या होगा, केस टू, 5 से तुम बोलोगे सर इक्वल टू कहां पे लेना, ये ना इक्वल टू तुम यहां पे भी ले सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, दोनों जगह इक्वल टू ले लो। अब 5 से लेके 10 तक मुझे बोलो ये जो x माइनस फाइव है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव, 5 से लेके 10 तक x माइनस फाइव तो पॉजिटिव हो जाएगा, आवाज कट रहा है, मगर ये 10 से छोटा है, बाहर निकल के एक बार अंदर आओ, आवाज कट रहा है, x अगर 10 से छोटा है तो x माइनस 10 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव। तो पॉजिटिव वाले में जब तुम मॉड हटाओगे तो क्या था, डायरेक्टली हटा लेते हो नहीं क्या, और नेगेटिव वाले में जब मॉड हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 10 माइनस एक्स, तो इसे कैंसिल कर दो, इसका वैल्यू 5 होगा। और केस 3 क्या था, ऊपर देख लेते हैं कहां से कहां तक, केस 3 ये ब्लैक वाला, एक्स किससे बड़ा है, 10 से। तो एक्स अगर 10 से बड़ा है तो मुझे बोलोगे एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस 10 में क्या खेला खेला जा रहा है, एक्स जब 10 से बड़ा है तो एक्स माइनस 5 पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव। एक्स अगर 10 से बड़ा है, इक्वल टू वाले को छोड़ो, मारो गोली, जीरो माइनस जीरो बात बराबर है क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो ये एक्स माइनस फाइव प्लस एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस 15। तो इसका मतलब तुम्हें एफ ऑफ एक्स क्या क्या मिला, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स तुम्हें मिला 15 माइनस ट्वाइस एक्स, कब, जब एक्स 5 से छोटा है, तो 15 माइनस ट्वाइस एक्स, एक्स अगर 5 से छोटा है, 5 अगर 5 से लेके एक्स 10 तक है, और 2x माइनस 15 अगर x 10 से बड़ा है। तुम बोलोगे सर आपने दोनों जगह इक्वल टू दे दिया, मुझे कंफ्यूजन है, ठीक है मैं मानता हूं, तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग मुझे बोलो अगर मैं x का वैल्यू 5 यहां पे डालूंगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, बोलो, पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं, मुझे वैल्यू आप बोलो क्या होगा अगर x का वैल्यू 5 डालोगे तो, 5 और अगर x का वैल्यू 5 यहां पे डालोगे तो, आया समझ में, इक्वल टू कहीं भी देने से चलेगा, इज इट ओके, ऐसे फंक्शन को कॉन्टिन्यूस फंक्शन कहते हैं। तुम बोलोगे सर नहीं समझ में आया, अरे ये समझ में नहीं आएगा, ये कुछ देर के बाद सिखाऊंगा तुम्हें, बस हाँ तो 10 में भी वही हो रहा है, किसी को लिखना है तो लिख लो फिर आगे चलेंगे, कनेक्शन में होना ठीक है, किसी को लिख, मैं और एक सम कराऊंगा, कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो मुझे, ठीक है मैं टाइम दे रहा हूं करने का।
ऑनलाइन क्लास में कुछ ज्यादा टेस्ट दूंगा, ठीक है, एक असाइनमेंट सीट दूंगा जो तुम्हें सबमिट करना होगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा देखूंगा मैं ये चीज कि तुम लोग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। डीआईपी तो मिलेगा, डीपीपी तो मिलेगा ही, साथ में मेरे वेबसाइट में जाके तुम्हें सबमिट करना होगा सीट। सर ऑफलाइन क्लास नहीं होगा क्या? होगा, वही तो मैं उसी में अभी आऊंगा, मगर पंगा ये है कि गवर्नमेंट का एसओपी है कि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन मुझे देना ही पड़ेगा, समझ में आया? तो ऑफलाइन का क्या होने वाला है वो मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगा, वो मैं ऑफलाइन क्लास में ही बोलूंगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास तुम लोग का ऑफलाइन हो सकता है सुबह, नहीं क्या, क्योंकि वो 4 से 6 बजे वाला है, तो ऑफलाइन वाला बात हम लोग ऑफलाइन में ही करते हैं, ऑनलाइन वाला बात ऑनलाइन में करते हैं, ठीक है, समझ में आया? हाँ सर, ठीक है। आगे चलूं सर थोड़ा सा? हाँ सर, रुक जाइए, रुक जाता हूँ। पुराने स्टूडेंट्स थोड़े वाकिफ हैं, नए स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास लास्ट ईयर कहीं ना कहीं तो तुम लोगों ने किया ही होगा, ऑनलाइन क्लास स्कूल में भी किया ही होगा, ठीक है, एक तरीका आज देख लो क्या है। सर आप जो डीपीपी दे रहे हैं अभी, सर वो क्लास 11 का टॉपिक्स का होगा ना? अभी तो अभी 11th का दे रहा हूँ, 12th का अब देना शुरू करूंगा, क्योंकि मतलब एंट्रेंस लेवल आज करवाया जा रहा है, समझ में आया ना? तो अब तुम लोगों को मिलेगा, जैसे हाँ अब तुम लोगों को 12th का भी डीपीपी मिलेगा। अभी तक 12th में वैसा कुछ करवाया नहीं था जहाँ पे डीपीपी का उतना जरूरत पड़े। आगे चलूं? यस सर, ठीक है चलो। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन क्लियर ही कर देता हूँ, हाँ ये ऑनलाइन और ऑफलाइन वाला। देखो मंडे वाला जो क्लास है, क्योंकि मैंने कहा था कि आज हम लोग डिस्कस भी करेंगे, 4 से लेके 6 बजे तक का है, इसे अगर मैं 5:45 में खत्म कर दूंगा तो खेला खत्म, मंडे तो तुम्हारा ऑफलाइन क्लास हर समय हो पाएगा। इज इट ओके? सर सैटरडे है क्या? ओ सॉरी, मैं देखा सैटरडे 4 to 6, उसके बाद आ जाता है मंडे, उसके बाद आ जाता है वेडनेसडे, मेरे दिमाग में वो वाला बैच आ रहा था A3 Z3, ये Z5 बैच है, फिर आता है वेडनेसडे है 6:30 to 8:30। गवर्नमेंट के एसओपी के अनुसार मेरे ख्याल में तुम लोगों का कोई भी कोचिंग सेंटर 6 बजे के बाद नहीं चल रहा होगा, कल एक दो कोचिंग सेंटर चले भी थे, आज तो सब बंद है जो मुझे मालूम है, ठीक है, क्योंकि हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर नहीं आते हैं, और सही बात भी है, हम लोग पहले फीस लेते हैं बाद में पढ़ाते हैं, तो इट्स अ बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट रेदर देन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर गवर्नमेंट चीजों को थोड़ा मॉडिफाई कर देता है और बोलता है कि नहीं ठीक है 6:30 to 8:30 कोचिंग क्लासेस चल सकते हैं विद सोशल डिस्टेंस, तब मैं इसको भी ऑफलाइन ले लूंगा, मगर क्योंकि गवर्नमेंट का एसओपी है कि साथ में ऑनलाइन क्लास भी होना चाहिए, तो ऑनलाइन क्लास तब मगर तुम्हें रिकॉर्डिंग मिलेगा, हाँ क्योंकि तब मेरे पास ये टाइम नहीं होगा कि मैं, मेरे पास वो टाइम पॉसिबल नहीं होगा कि मैं इतना करने के बाद फिर से लाइव ऑनलाइन क्लास भी हूँ, तो ऑनलाइन क्लास भी तुम लोग को मिलेगा क्योंकि जो लोग एब्सेंट हैं, मगर वो अब तुम्हें रिकॉर्डिंग में मिलेगा और वो तुम लोग रिकॉर्डिंग करके देख सकते हो, हालांकि मैं लाइव ज्यादा अच्छा मानता हूं, मगर मेरे पास
मुझे ऐसा फील होता है कि क्लास खुलने के बाद भी हर स्टूडेंट क्लास में नहीं आएगा, जैसे एटलीस्ट कुछ दिन तक, हाँ जैसे केसेस जैसे बढ़ रहे हैं। अगर वैसा कुछ होता है तो जेट फाइव और जेट थ्री बैच सेम बैच है मेरे लिए, दोनों टोपोलॉजिकली सेम बैच है क्योंकि वन ईयर बैच है। अगर मिला के ऐसा होता है कि इसमें केवल 10 बच्चे आ रहे हैं, इसमें केवल 10 बच्चे आ रहे हैं, तब मैं बात करके ऐसा कर सकता हूं कि एक टाइमिंग रखूंगा तुम लोगों के लिए, 4 से लेके 5:45 वाला टाइमिंग मैं रख दूंगा, मंडे वाला और वेडनेसडे वाला, या मंडे और सैटरडे वाला, जो बंदे मेरे इंस्टीट्यूट में आके क्लास करना चाहते हैं। और एक टाइमिंग मैं रख दूंगा उन बंदों के लिए जो बंदे ऑनलाइन क्लास लाइव करना चाहते हैं, क्योंकि वो तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या पसंद है। आज अगर तुम्हें लाइव क्लास तुम कर रहे हो, कल तुम रिकॉर्डिंग करके रिकॉर्डिंग भी देखना कि कौन सा अच्छा लगता है, लाइव अच्छा लगता है या रिकॉर्डिंग अच्छा लगता है, वो तुम्हारे ऊपर है। हाँ, तो एज अ होल जो यूनिमेनस डिसीजन होगा। और एक पॉसिबिलिटी है, और ये सब पॉसिबिलिटी में सैटरडे बात करूंगा, मैं फिर से कह रहा हूँ। हाँ, बस तुम लोग को, क्योंकि आज क्लास के बाद पेरेंट्स बोल सकते हैं कि रुपेश सर ने क्या बोला, तो क्योंकि मैं अभी जूम में इसे डिस्कस नहीं कर सकता हूँ, तो जो लोग ऑफलाइन क्लास करना चाह रहे हैं वो सैटरडे 4 to 6 मेरे क्लास में आएंगे। हाँ, जो ऑनलाइन क्लास करना चाह रहे हैं उनको आने का जरूरत नहीं है, सैटरडे वाले क्लास का मैं ऑनलाइन भी करवा दूंगा उस दिन। सैटरडे में, ये सैटरडे फ्री हूँ तो उसे मैं ऑनलाइन थोड़ा लेट शुरू करूंगा, 7 से लेकर 9 बजे तक ऑनलाइन कर दूंगा। तो जो लोग 7 से, जो लोग नहीं आएंगे वो 7 से 9 ऑनलाइन क्लास करेंगे, जो आएंगे वो 4 से लेकर 5:45 तक ऑफलाइन क्लास करेंगे। मेरे पास और एक पॉसिबिलिटी है, सुनाई दे रहा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। मेरे पास और एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, सैटरडे वाले में तो कि अगर, मगर वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तुम लोग स्कूल, तुम लोग को स्कूल का क्लासेस चलेगा, वो पॉसिबल नहीं है। और वो, और ये नया बैच भी है, यहाँ पे इतना मैं डेयरिंग भी नहीं कर सकता हूँ कि सुबह तुम लोग अगर आ सकते हो तो, मतलब जो लोग सुबह आने के, हमारा अल्टरनेटिव डेज है वही, तो तुम, मतलब बाकी है कि तुम्हारा अल्टरनेटिव डेज है, मगर वही तो प्रॉब्लम है ना कि जिनका अल्टरनेटिव, सब बैचेस में तो ऐसा नहीं पड़ेगा ना अल्टरनेटिव डेज वाला। और ये नया बैच है, इस बैच में ये वाला रिस्क नहीं लिया जा सकता है, नहीं तो इसमें तो आओ तब ये ऑफलाइन वाला बात जो है, सैटरडे आओ, सैटरडे हम लोग बात करते हैं। हाँ, सैटरडे 4 बजे क्लास में आ जाओ, ठीक है? आई विल सैनिटाइज एंड आई विल डू एवरीथिंग पॉसिबल। हाँ, क्लास को अच्छे से सैनिटाइज करके रखूंगा, तो हम लोग फिर वहीं पे एक बार बात करते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। हाँ, क्योंकि ऑनलाइन में कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, खासकर यहाँ पे कुछ नए स्टूडेंट्स हैं, उन्हें ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर अब कर क्या रहे हो। हाँ, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्हें थोड़ा समझ में भी आ रहा होगा, तो इसीलिए वो सैटरडे, ठीक है? तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ऑनलाइन में ही शिफ्ट कर गया हूँ, मगर हाँ, मैं ये चीज, डरने का जरूरत नहीं है कि तुम लोगों में से कोई बोलेगा नहीं मेरे घर में कुछ बूढ़े मेरे दादाजी हैं इसलिए मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा। जब तक ये चीज चलते रहेगा तब तक ऑनलाइन क्लास आइडर रिकॉर्डेड और लाइव तुम्हें मिलते रहेगा, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो तुम्हें इस यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? उस चीज का चिंता नहीं करना है। और बाकी कैसे करेंगे, सैटरडे और सैटरडे को बात करते हैं। अब और भी चलो, क्योंकि अब मैं और ऑफलाइन नहीं कहूंगा, हाँ, क्योंकि अब मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ। अब मैं ऑनलाइन क्लास में हूँ तो देयर विल बी सम चेंजेस। एक, क्लास के कुछ देर के बाद तुमको एक टू बी सबमिटेड सीट मिलेगा, जो तुम मेरे, जो तुम्हें मैं व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा, और गारंटी देता हूँ मैं ज्यादा सम नहीं दूंगा। हाँ, मुश्किल से यहाँ पे मैं मुश्किल से 5 से लेकर 10 सम के बीच में दूंगा। आज जितना भी चीज मैंने क्लास में पढ़ाया है सबका एक एक सम दे दूंगा, व्हाट्सएप में तुम्हें भेज दूंगा, तुम्हें सॉल्व करके उसका PDF या फोटो खींच के तुम मुझे मेरे ऐप में अपलोड करोगे, ठीक है? ये सर्विलेंस केवल उसलिए होगा क्योंकि लास्ट ईयर क्लास करके मैंने देखा है कि बहुत स्टूडेंट क्लास में खूब एक्टिव होते हैं, मगर जब एनुअल का मार्क्स आया तो उससे ये पता चल रहा था कि क्लास में तो वो समझ में आ रहा है मगर घर में वो नहीं पढ़ रहा है। सुनाई दे रहा है, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये टू बी सबमिटेड सीट क्या करेगा, एटलीस्ट उन बंदे को भी
थोड़ा सा लाइन में, ये किसी भी हालत में टीबीएस सीट सफिशियंट नहीं है। हाँ, ये केवल ये बताता है कि तुम्हें क्लास समझ में आया है। और मैं ये तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि जैसे आज वेडनेसडे है, आज रात को अगर मैं टीबीएस या कल सुबह अगर मैं टीबीएस भेजूँ तुम्हें तो तुम मुझे वेडनेसडे तक सबमिट करो, नहीं, उसका टाइमिंग रहेगा सैटरडे 4 बजे तक। सैटरडे 4 बजे तक तुम मुझे सबमिट कर दो, क्योंकि कुछ बंदे लोग रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो उन्हें हो सकता है थोड़ा लेट लगे। इसके अलावा तुम्हें एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगा। हाँ, डीआईपी को छोड़ रहा हूँ, डीपीपी में मैं जा रहा हूँ। डीपीपी का एक खासियत होता है, जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ उस टॉपिक के बहुत सम्स मैं डीपीपी में डाल देता हूँ। तो ये डीपीपी तुम्हें मेरे ऐप में मिलेगा और तुम चीजों को करोगे। 2 मिनट रुको, मैं आ रहा हूँ। 2 मिनट चलो। तो हाँ, मैं कहाँ था, डीपीपी। हाँ, वो क्या होता है तुम्हें पता चल जाएगा। हाँ, कल मैं दूंगा, जो लोग नए हो। हाँ, सब लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया है? Yes, sir. अच्छा, ये जो सर्विलेंस है टू बी सबमिटेड सीट, ये किस लिए, ये भी मैं बताता हूँ। और एक चीज अभी होने वाला है। हाँ, तुम लोगों में से ये बैच बोर्ड प्लस एंट्रेंस का है, चीजें ऑनलाइन हो रहा है, एंट्रेंस मुझसे नहीं हो पा रहा है, इसीलिए मैं केवल बोर्ड पढ़ूंगा। मैं काइंडली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रे कि 1-2 महीने तक प्लीज स्ट्रगल करोगे। हाँ, क्योंकि बोर्ड लेवल तो पढ़ाऊंगा। इस बैच में तुम सब लोगों ने देखा है कि बोर्ड लेवल मैंने ठीक ठाक ही करवाया है तुम लोगों को, और वैसे ही बोर्ड लेवल कराऊंगा। एंट्रेंस पढ़ने से तुम्हें बोर्ड का नुकसान नहीं होगा, हाँ, प्रोवाइडेड तुम पैरेलली अगर पढ़ते हुए जाओगे, और यही काम तुम्हारा टू बी सबमिटेड सीट करने वाला है। अब मैं क्या, सर आप चेक करोगे? नहीं, मैं चेक नहीं करूंगा। तब तो कोई लोग खुश हो गए कि सर तब क्या बात है, व्हाइट पेपर ही आपको दे देंगे, सबमिट करके आराम से दे सकते हो, कहाँ प्रॉब्लम होगा। मैंने पहले ही कहा टू बी सबमिटेड सीट केवल उन बंदों के लिए है जो ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं मगर घर में नहीं पढ़ रहे हो। होगा क्या, जो सफेद कागज दे रहा होगा मुझे या नहीं सबमिट कर रहा होगा, जब स्कूल का एग्जाम होगा और जब मैं ऑनलाइन टेस्ट कभी लूंगा, उसमें मार्क्स तुम्हारा कम आ सकता है। सबमिट करने के बावजूद मेरे ऑनलाइन टेस्ट में मार्क्स कम आ सकता है। मेरा ऑनलाइन टेस्ट टफ होता है, हाँ, क्योंकि 2018 के बाद इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्जामिनेशंस का पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, तो आसान सम करके फायदा नहीं है। तो ऑनलाइन टेस्ट और स्कूल में अगर कम मार्क्स आया और पेरेंट्स अगर मुझे फिर बोलेंगे कि देखिए ना मेरा बच्चा आपका क्लास करता और मार्क्स नहीं आया, तब मैं पेरेंट्स को अपने ऑफिस में बुला के टू बी सबमिटेड सीट खोल के दिखाऊंगा। अगर तुमने सबमिट नहीं किया है, अगर तुमने सबमिट नहीं किया है, आज थोड़ा टाइम ले रहा हूं, हाँ, अगर तुमने सबमिट नहीं किया है तो तुम वहां पे जस्ट वेट अ मिनट। मैं एक चीज बस दिखाना चाहता हूँ, रुक जाओ। दो मिनट, ठीक है। अगर तुमने सबमिट नहीं किया, जैसे ये है, हाँ, Z1 बैच, तो देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पेंडिंग लिखा हुआ है ना, तो ये पेंडिंग लिखा हुआ आएगा। सुनाई दे रहा है? ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और थोड़ा सा टाइम लूंगा, मगर इंपॉर्टेंट है, ये पेंडिंग लिखा हुआ आएगा, ठीक है। मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुलाऊंगा और दिखा दूंगा, देखिए वो सबमिट नहीं कर रहा है। तुम बोलोगे सर आप बहुत बोर कर रहे हो, टू बी सबमिटेड सीट के सम्स बहुत बोरिंग होते हैं,
मैं सब सम्स को कर पाता हूँ, आप मेरा टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो मत सबमिट करो, क्योंकि जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तब तुम्हारा स्कूल, इसका मतलब है तुम्हारा स्कूल और ऑनलाइन टेस्ट में एक डिसेंट मार्क्स आ रहा है। अगर डिसेंट मार्क्स यहाँ पे आ रहा है तो पेरेंट्स कभी भी मुझे फोन करके नहीं बोलेंगे कि मेरे बच्चे का मार्क्स कम आ रहा है, और मैं कभी भी बुला के तब उन्हें ये नहीं बताऊंगा कि देखिए टीवीएस वो सबमिट नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली मेरा एम ये है कि तुम्हें ये दोनों जगह अच्छा करना। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने बहुत मेहनत किया मगर मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं था। लास्ट ईयर मैं, ये मैंने कल वाले बैच में भी कहा था कि लास्ट ईयर मैं बहुत सॉफ्ट था, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा था कि ये चीज खत्म हो जाएगा पैंडेमिक। हाँ, मैं अपने बच्चे के ऊपर भी सॉफ्ट था, मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ। हाँ, मैं सबके ऊपर, मतलब मैं अल्टीमेटली मानता था ठीक है थोड़ा सा कम पढ़ने से भी होगा, मगर इस साल अब मुझे समझ में आ गया कि नहीं, ये हर टीचर को समझ में आ गया कि टीचर को रूटलेस अब होना पड़ेगा। मतलब ये चीज के साथ तुम्हें चलना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा चीज है कि दिखने से नहीं लग रहा है कि ये खत्म होने वाला चीज है, फिर से कभी आ सकता है। इसी टाइप से तुम हो सकता है इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन क्लियर करोगे, तुम्हें ऑफलाइन ऑनलाइन, ये हो सकता है नेक्स्ट 2 साल का भी यही प्रोसेस चले, तो कहना मुश्किल है। ठीक है, किसी के पास सर्टेनिटी नहीं है कि क्या होने वाला है, क्योंकि तो वो जो सर्टेनिटी नहीं है, तो इसलिए अब मैं अपने बच्चे के साथ भी रूटलेस होता हूँ। मैंने कल भी कहा था कि मैं जितना देर ऑनलाइन क्लास करूंगा, मैंने बना के रखा हुआ है कि वो दूसरे रूम में बैठ के या मेरे बगल में बैठ के उसे बैठ के चीजें पढ़ना पड़ेगा, कि एटलीस्ट 4 घंटा अगर मैं क्लास कर रहा हूँ तो 4 घंटा वो बैठ के पढ़ रही है। और ये चीज तुम्हारे साथ भी अब मुझे करना पड़ेगा, तो उसे मैं देखता हूँ, तुम्हें देख नहीं पाता हूँ, तो इसलिए तुम्हारे लिए टू बी सबमिटेड सीट होगा। तो चलो आगे चलते हैं। ठीक है, ये लिख लिया था ना रे? हाँ सर। ठीक है, और प्लीज, हाँ, तो आज किसी को डाउट होगा तो बोलोगे, और इसका रिकॉर्डिंग आज ही तुम लोगों को मैं भेज दूंगा। तो आगे चलता हूँ मैं। हाँ, तो अगर मैं तुम्हें कभी ब्रेक करने के लिए बोलूं कि सपोज मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 3, इसे ब्रेक करना है, तो इसके कितने क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे? 0, -3 और 3। तो इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे। ये क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 3 और एक्स इक्वल टू 3। तो क्या करोगे, रियल लाइन में चीजों को ब्रेक करोगे। सबसे छोटा रूट माइनस 3, उसके देखो मेरे मुंह से भी रूट निकल रहा है, मगर मैं कह रहा हूँ उसे क्रिटिकल पॉइंट बोलो। तो अब तुम्हारे पास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, तो इसका मतलब तुम 4 बार चीजों को ब्रेक करोगे। पहला वाला इंटरवल क्या है बोलो, थोड़ा हल्ला हो तो अच्छा लगे, क्योंकि बहुत बोर किया अभी मैंने तुम लोगों को, मुझे मालूम है। लेस देन माइनस 3, एक्स लेस देन इक्वल टू भी बोल सकता हूँ, कोई पंगा नहीं है। तब एफ ऑफ एक्स कैसा दिखेगा, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस मॉड ऑफ एक्स। तो एक्स जब माइनस 3 से छोटा है, तो ये जो पहला वाला मॉडुलस का जो आर्गुमेंट है वो केवल एक्स है, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। एक्स प्लस 3 नेगेटिव, एक्स माइनस 3 नेगेटिव। तो नेगेटिव में जब तुम मॉड हटाओगे तो ये क्या बनेगा, माइनस एक्स। एक्स प्लस 3 को जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स माइनस 3, और एक्स माइनस 3 को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस एक्स प्लस 3। तो दिस इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू आया माइनस 3x एफ ऑफ एक्स का। इज इट ओके? सेकंड केस कहां से कहां तक लोगे बोलोगे, मैं और ज्यादा बोर नहीं करूंगा। सेकंड केस माइनस 3 से 0 तक। तो माइनस 3 से लेके 0 तक जब काम करोगे तो मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ 3 प्लस एक्स, एक्स प्लस 3 जो भी लिखना है, एक्स माइनस 3। तो माइनस 3 से बड़ा मगर 0 से छोटा, तो ये वाला क्या होगा, नेगेटिव आर्गुमेंट। मगर ये 3 प्लस एक्स वाला आर्गुमेंट क्या होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा। और एक्स माइनस 3 वाला आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एक्स माइनस 3 से 0 तक है तो ये नेगेटिव होगा। तो तब क्या होगा, नेगेटिव में ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये एक्स प्लस 3 हो जाएगा, और ये अगर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 माइनस एक्स। तो एक्स एक्स कैंसिल करो, 3 प्लस 3 6, तो 6 माइनस एक्स। तो अल्टीमेटली इसी टाइप से 3 और ब्रेक करना होगा, मैं उसमें टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं 1.5 मिनट का टाइम देता हूँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। सर यहाँ पे जो x less than equal to 0 होगा सर, उसमें मॉड x का वैल्यू 0 नहीं होगा क्या?
वही तुम फिर वही बोल रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ ना, मेरा कहना है कि इक्वल लास्ट एंड पॉइंट को क्यों ले रहा है तू, जीरो लिख या माइनस जीरो लिख, बात क्या है? आ रहा है समझ में? हाँ सर। ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं बार बार स्टार्टिंग में खुद ही बोल रहा हूँ कि इस चीज को समझो कि तुम प्लस, इस चीज को समझो कि इक्वालिटी में ये वैल्यू मत डाल दो, ये वाला वैल्यू मत डालो, ये डालोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इस एंड पॉइंट मत डालो, एंड पॉइंट को छोड़ के कुछ और डाल के दो, क्या होगा? लिखना है तो लिख लो। तो मैंने कहा तुम लोगों को कि तुम लोगों के लिए जरूरी नहीं है, तुम लोग आराम से वीडियो रिकॉर्डिंग देख के भी क्लासेस को कर सकते हो। तुम्हें ये नहीं सोचना है कि रुपेश सर के ईगो में लग जाएगा अगर हम रुपेश सर का क्लास नहीं करें। YouTube में अपलोड करता हूँ, डाउनलोड करके रख सकते हो क्योंकि बार बार देखने में आसानी होगा। एक फोल्डर बना लो। सुनाई दे रहा है? हाँ सर। अगर लैपटॉप है तो एक फोल्डर बना लो, क्योंकि मेरे मेरे उसमें रहेगा ही, क्या बोलते हैं, मेरे ऐप में रिकॉर्डिंग रहेगा ही, ठीक है, मगर रिकॉर्डिंग ऐप में डाउनलोड नहीं होता है, तो इसीलिए मैं फिर से कहूंगा कि मैं व्हाट्सएप में भी भेज दूंगा। तो एक छोटा सा काम करोगे, एक फोल्डर बना लोगे, डे वाइज रिकॉर्डिंग करके रख लोगे उसमें, हाँ, या तुम्हें क्या बोलते हैं, यूट्यूब में ही रिकॉर्डिंग करके रख लो, उसमें भी तुम डाउनलोड कर सकते हो मेरे ख्याल में, तुम्हें जो भी तुम्हें बेटर लगे, ठीक है, यूट्यूब डाउनलोडर आता है उससे भी डाउनलोड कर सकते हो। तो एक बार डाउनलोड कर लोगे तो ठीक है, मैक्सिमम 200 MB रहता है, हाँ, एक क्लास, तो तुम्हारे पास अच्छे से रह जाएगा, तुम्हें अभी नहीं बाद में भी कभी अगर जरूरत है तो फिर तुम आराम से चीजों को देख सकते हो। थोड़ा सा तो मतलब क्योंकि चीजें गवर्नमेंट का डायरेक्टिव ही इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि चीजें हुआ भी है, ये बात भी सच है कि ठीक है, तुम्हारे जान पहचान में भी तुम्हें पता चल रहा होगा कि हुआ है, तो छोटा सा एक अटेंडेंस लेने का मन है, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ सुनाई दे रहा है, क्योंकि मैं माइक्रोफोन मैंने लगा लिया, अब सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ हाँ ठीक है, गुड। ये फिर से मैं कह रहा हूँ, तुम बोलोगे सर आपने कहा था कि ये रिकॉर्डिंग जो लोग सुन रहे हैं, हाँ तुम लोग को नहीं बोल रहा, जो रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं कि सर आपने बोला था कि रिकॉर्डिंग देखने से होगा, मैं क्लास से बाहर निकल गया और आपने अटेंडेंस ले लिया, ये अटेंडेंस फिर से मैं उसके लिए नहीं ले रहा हूँ कि जो बंदे लोग घर में पढ़ते हैं, ये उसके लिए ले रहा हूँ कि जो घर में नहीं पढ़ते हैं, मतलब अगर पेरेंट्स आके मुझे बोले आज से 2 महीने के बाद देखिए, अगर बाय चांस चीजें ऑनलाइन ही रहा, हाँ अगर ऑफलाइन हो गया तो चिंता नहीं है, चीजें अगर ऑनलाइन ही रहा और क्या बोलते हैं पेरेंट्स आके मुझे बोलें कि देखिए मेरा बच्चा मार्क्स नहीं ला रहा है, तो मैं बोल पाऊँ देखिए वो ना तो मेरा क्लास कर रहा था, ना तो TBS सबमिट कर रहा था, अटेंडेंस में भी उसका नहीं नाम नहीं है, तो मतलब ये केवल उन लोगों को पकड़ने के लिए है, हाँ जो लोग मतलब बाद में जाके केवल भगवान से ये बोलते हैं कि भगवान एग्जाम कैंसिल हो जाए, क्यों? क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है, मतलब देख रहे हो ना आजकल एग्जाम कैंसिल करने के होने के लिए कितना हाहाकार होता है, हाँ तो वो मतलब तुम कभी भी किसी का भी, जैसे आप हमारे स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर हिमंता बिस्व शर्मा जी या तुम क्या बोलते हैं सेंटर के उनके पास जाओगे तो तुम देखोगे कि उनके ट्वीट से ज्यादा नीचे प्लीज कैंसिल द एग्जाम, प्लीज कैंसिल द एग्जाम, प्लीज कैंसिल द एग्जाम का ही रिप्लाई ज्यादा रहता है, ठीक है, तो तुम सोचो कि वो, मैं मानता हूँ कि वो स्टूडेंट्स होते हैं जो हो सकता है कि सही में अगर वो कोरोना से डर रहे हैं तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, मगर वो इसलिए डर रहे हैं क्योंकि उन्होंने घर में कुछ भी नहीं पढ़ा और उन्हें पता चल गया है कि एक साल खत्म हो गया है और वो इसलिए एग्जामिनेशन कैंसिल कराना चाह रहे हैं क्योंकि उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो उन्होंने नहीं पढ़ा है तो ठीक है, मगर अगर तुम उसलिए कैंसिल कराना चाह रहे हो तो तुम गलत कर रहे हो, तुम सोसाइटी के साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि जो बच्चा पढ़ा है तुम उसे भी बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, और वो तादाद ज्यादा है जो नहीं पढ़ता है, हाँ ऑनलाइन क्लास में वो तादाद बहुत ज्यादा है, तो अपने आप को उस तादाद में 90% ऑफ द स्टूडेंट्स ऑनलाइन में नहीं पढ़ते हैं, केवल 10% ऑफ द स्टूडेंट्स पढ़ते हैं,
तो अपने आप को उस 10% में लेके आओ। सोहम प्रेजेंट सर, हाँ या ना? हाँ, कोई किसी के पास माइक्रोफोन नहीं है तो वो बाद में भी मुझे बोल सकता है सर मैं प्रेजेंट, मतलब या मुझे उसमें उठा दोगे, हाँ हाथ हाथ उठा दोगे, वो रेज और हैंड कर दोगे, मैं हूँ, हाँ मैं देख रहा हूँ। बार्नव, और कुछ लोग तो बैच चेंज कर चुके हैं। नाजिया सर, अच्छा बर्नव, नाजिया प्रेजेंट सर, आर्यन प्रेजेंट सर, तेजस प्रेजेंट सर, श्रेष्ठा पुजारी प्रेजेंट सर, कांगना बोरा प्रेजेंट सर, अनिर्बान प्रेजेंट सर, लॉरेंस यस सर, अभिषेक राय प्रेजेंट सर, पूजा प्रेजेंट सर, माधुर्य प्रीतम डेका प्रेजेंट सर, सारांशु शास्त्री प्रेजेंट सर, निश्चय प्रेजेंट सर, मोनस्मित टीनैना मनस्मित, हाँ तेरा हाथ उठता है, ठीक है चलो। तो समझ में, मैं फिर से कह रहा हूँ, हाँ एकदम रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम लोगों में से कोई लोग अब ऑनलाइन में हो गए, ऑफलाइन में नहीं आओगे, संडे मंडे सैटरडे दोबारा बोलूंगा, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जो स्टूडेंट पंचुअल है, मैं जानता हूँ कि नेटवर्क खराब होने से जूम क्लास करना कितना बोरिंग होता है, टाइम तब बर्बाद करने का जरूरत नहीं है, हाँ तब बैठ के कुछ और ही करो। रात को 9:30 जब वीडियो मिलेगा उसके बाद वीडियो को देख के पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, हाँ बस कुछ बच्चे भी, अगर एक बच्चा भी ऑनलाइन रहेगा तो मेरे लिए अच्छा है, मतलब मैं जो पूछता हूँ अरे समझ में आया क्या, तो वो मुझे बोल पाए, हाँ तो जितने लोग ऑनलाइन रह सकते हो, तो ऑनलाइन रहने से मुझे हिम्मत मिलता है, ये बात सही है ना, मगर ये भी मैं बोल देता हूँ, ऑनलाइन रहने से मुझे हिम्मत मिलता है, मतलब कुछ बच्चे जब बोलते हैं, जब मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तो कि एटलीस्ट 2-3 बंदे जो मुझे रिप्लाई देते हैं तो, और अगर एकदम प्रॉब्लम है, एकदम नहीं समझ में, नेटवर्क एकदम खराब आ रहा है, तो फिर उसके बाद देख लेना, ठीक है। तो सर आप अटेंडेंस में क्या होगा, अटेंडेंस में तो एब्सेंट होगा, हाँ तब, और वो सर क्या तब उससे मेरा इंप्रेशन आपके ऊपर खराब होगा, मेरे ऊपर कोई इंप्रेशन खराब नहीं होने वाला, ठीक, क्या पता तुम घर में बाद में बैठ के पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं मेरा इंप्रेशन तभी खराब होगा जब तुम एग्जाम में अच्छा मार्क्स लेके नहीं आओगे, और मैं फिर से कह रहा हूँ मेरा ऑनलाइन एग्जाम नहीं, हो सकता है कि कल परसों एक ऑनलाइन एग्जाम दूं और वो टफ हो, उसमें कम मार्क्स आने से चलता है, पहले कम मार्क्स ही आएगा फिर जाके अच्छा मार्क्स आएगा, मगर एटलीस्ट स्कूल वाले एग्जामिनेशन में स्टार्टिंग से थोड़ा एक बेटर मार्क्स लेके आना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। आगे चल रहा हूँ, हाँ तो हमें एक चीज पता चला, क्या आज के क्लास में थोड़ा भाषण ज्यादा दे रहा हूँ मगर इंपॉर्टेंट है, मॉड एक्स, मॉड एक्स मुझे क्या पता चला, अगर एक्स पॉजिटिव है तो कैसा दिखेगा एक्स, अगर एक्स नेगेटिव है तो कैसा दिखेगा माइनस एक्स। तो अब मैं बोर्ड लेवल के सम में आता हूँ, दो सम करवाऊंगा बोर्ड लेवल का, ठीक है। सपोज एफ इज अ फंक्शन, पहला एफ इज अ फंक्शन हॉट्स में आता है ये, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, चेक फॉर 1-1 एंड ऑन 2, ऑल्सो फाइंड एफ इनवर्स सॉल्यूशन। तो चलो एक्स मॉड एक्स, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू है एक्स मॉड एक्स, 1-1 कैसे देखते थे कोई बोलेगा, टू चेक एफ ऑफ ए इज इक्वल टू क्या एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ बी इसका मतलब ए मॉड ए इज इक्वल टू बी मॉड बी, मगर मैं अभी कैंसिल नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मॉड है, तो मॉड आते ही तो दिमाग में यही चीज आता है ना कि दो अलग अलग केस लेना होगा, हाँ या ना, जैसे हम लोगों ने लास्ट क्लास में सम किया था इवन और ऑड वाला, नहीं क्या एग्जैक्टली तुम्हें अगर याद होगा तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक सम किया था एन माइनस वन इफ एन इज इवन और एन प्लस वन इफ एन इज क्या ऑड, ऐसे सम को हम लोग ब्रांचिंग फंक्शन कहते हैं क्योंकि इसके अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग ब्रांच होते हैं, तो मॉड भी एक ब्रांचिंग फंक्शन है, और क्योंकि एक ब्रांचिंग फंक्शन है तो सॉल्व करने के लिए तुम्हें अलग अलग ब्रांच लेना होगा। तो मॉड को हटाने के लिए मैं 3 केस लूंगा, पहला केस लेता हूं कि दोनों अगर मेरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव है,
तो अगर दोनों पॉजिटिव है तो मुझे मालूम है जब x पॉजिटिव था तो मॉड x का वैल्यू क्या था, x या माइनस x? x x। तो अब a mod a is equal to b mod b, तो क्या लिखोगे? This implies, तो अगर a पॉजिटिव है तो ये a into a हो जाएगा is equal to b into b। तुम बोलोगे सर डायरेक्टली लिखे ना, ऑनलाइन है रे, इसलिए एक एक चीज लिख रहा हूँ। a square equal to b square, तो दो पॉसिबिलिटी आएगा, a is equal to b और a is equal to minus b। जब a is equal to minus b आएगा तो तुम बोलोगे क्या, a और b has opposite sign या same sign? Opposite. मगर तुम ध्यान से देखो opposite. तुमने जो assume किया वो क्या assume किया है? Positive. तुमने जो assume किया है क्या assume किया है, a और b का opposite sign है या same sign है? Same sign है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, तो hence ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आया क्या, a is equal to b only, ये तो पहला केस आया। अब केस टू में क्या लूंगा, अगर a नेगेटिव है तो b भी नेगेटिव है, तब a mod a is equal to b mod b। अब नेगेटिव के लिए क्या था रे, मुझे मालूम है अगर a नेगेटिव है तो mod a का वैल्यू माइनस a हो जाएगा, माइनस a। तो ये माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल करो तो ये भी तुम्हें दो ही चीज देगा, आइदर ए इज इक्वल टू बी और ए इज इक्वल टू माइनस बी। अब बोलो क्या ए इज इक्वल टू माइनस बी पॉसिबल है? फिर से यहाँ पे देखो ए और बी का साइन क्या है, सेम सेम, दे हैव सेम साइन है या नहीं? अगर ए नेगेटिव है तो बी भी नेगेटिव, मगर यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ए बी एन क्या अपोजिट साइन, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आया क्या, a इज इक्वल टू बी। अब तीसरे केस में चलते हैं, तीसरा केस ये है कि एक को नेगेटिव लेता हूं और एक को पॉजिटिव लेता हूं, पॉसिबल है? अगर ऐसा है तो a mod a इज इक्वल टू b mod b। अब मुझे एक चीज बोलोगे ध्यान से, हाँ a लेस देन जीरो है इसलिए mod a तो हर समय पॉजिटिव होता है ना रे, मगर a नेगेटिव है, a नेगेटिव है, mod a हर समय पॉजिटिव होता है, b पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली तुम्हें क्या मिला, नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? मेरा कहना है कि mod a और mod b तो हर समय पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन में कह रहा है कि a नेगेटिव है मगर b पॉजिटिव है, तो इसका मतलब mod a पॉजिटिव है, mod b पॉजिटिव है, a नेगेटिव है। तो अगर एक ही नेगेटिव आया तो ये नेगेटिव हो गया, मगर ये तो नेगेटिव होने से पंगा हो गया ना, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया, तो ये पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो हैंस तुम्हें क्या मिला, सुनने में आ रहा है? हाँ, हैंस तुम्हें क्या मिला? दोनों केस में तुम्हें केवल क्या मिला, a is equal to b, therefore f of a is equal to f of b implies only one thing, क्या a is equal to b, तो क्या बोलोगे, फंक्शन इज वन वन। बोर्ड लेवल का सम है, लंबा सम है, लिखने का टाइम दूंगा, पहले लिखना है तो लिख लो, ये बोर्ड लेवल का सम है, यहाँ पे टाइम दे रहा हूँ, हाँ मैं इतना ज्यादा आज थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, हाँ दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिख लोगे तो बोलोगे तो मैं नीचे लेते हुए निकल जाऊंगा, लिखो इसे, सम यहाँ से शुरू है। अगर किसी ने ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो ऐप डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, मेरा नंबर भी सेव कर लोगे, क्योंकि मेरा नंबर सेव करना इम्पोर्टेंट है, तब मैं ब्रॉडकास्ट करता हूँ मैसेज को तभी तुम्हें मैसेज मिलेगा, अगर मेरा नंबर सेव नहीं है और किसी को मेरा मैसेज नहीं चाहिए तो मेरा नाम हटा देना अपने मोबाइल से, नंबर नहीं मिलेगा, मैसेज नहीं जाएगा। सर नीचे कर देंगे,
सर और थोड़ा नीचे आगे चलूं? Yes, sir. Wait. ठीक है, वेट कर रहा हूं. कोविड में तो प्रॉब्लम है, ये बात हुआ तो है. मेरे मेरे यहाँ पे नहीं, पटना में मेरी बड़ी मम्मी और बड़े पापा दोनों ही एडमिट हैं और एक को वेंटिलेशन में डाला गया है. ठीक है, तो इसलिए थ्रेट तो रियल है, मगर लाइफ भी तो रियल है ना रे. हाँ, लाइफ भी तो रियल है. ठीक है, दो मिनट रुको. लिखो आगे चलूं अब. यस सर. चलो हाँ, आगे चल रहा हूँ. ठीक है, हो ही गया. यस सर. हाँ, तो ये तो हमने क्या दिखाया, वन वन. हाँ, अब मैं तुम लोगों को ऑन टू दिखाऊंगा. ठीक है, ऑन टू ध्यान से देखोगे. फंक्शन आर से लेके आर तक है, मेरे ख्याल में जो मैं लिखना भूल गया हूँ. ठीक है, क्योंकि वो तो बता, हाँ नहीं बताया, आर से लेके आर तक है दिया है मैंने. फंक्शन आर से लेके आर तक है, तो ये जो आर है ये क्या है, कोडोमेन. तो मुझे कोडोमेन मालूम है, तो अब मुझे क्या दिखाना है, मुझे ये दिखाना है कि अगर मैं कोडोमेन का कोई भी एक पॉइंट लूंगा, अगर मैं कोडोमेन का कोई भी एक पॉइंट लूं, जैसे मैं y लेता हूं, तो ये किसी के साथ अटैच है, तो ये कैसे दिखाऊंगा. तो ये दिखाने के लिए मेरा कहना है कि क्यों ना मैं रेंज ही निकाल लूं. तो रेंज निकालने का एक तरीका था कि एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, मगर अभी एक प्रॉब्लम है, वो काम मैं नहीं कर सकता हूं क्योंकि x के साथ मॉड x है. तो तुम बोलोगे सर ब्रांच वाइज फंक्शन है, इसलिए पहला केस लीजिए, अगर x आपका नॉन नेगेटिव है तब मॉड x x होने के कारण y का वैल्यू x स्क्वायर. वेरी गुड. तो x प्लस माइनस रूट वाई. अब मुझे कोई बोलेगा मैं प्लस लूं या माइनस लूं, यहां पे ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट वाई, मगर मुझे मालूम है कि x मैंने नॉन नेगेटिव लिया, तो x का वैल्यू जो होगा वो केवल रूट ऑफ रूट वाई होगा. और अगर ऐसा होगा तो बोलो x इज पॉजिटिव कब होगा, मतलब ये डिफाइन कब होगा, इसके लिए कंडीशन होगा ना, रूट के अंदर क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो ये मुझे एक कंडीशन मिल गया, मगर ये तो केस वन एक्स पॉजिटिव के लिए मिला, मुझे और एक केस लेना होगा क्या, अगर एक्स नेगेटिव है. अगर एक्स नेगेटिव होगा तब मैं जानता हूं कि मॉड एक्स का वैल्यू, तब मुझे मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स. तो वाई मेरे लिए क्या होगा, तब y अगर मेरे लिए x mod x होगा तो ये क्या हो जाएगा, x into minus x. इसका मतलब y is equal to minus x square. इसका मतलब x square equal to minus y. इसका मतलब x is equal to plus minus root power of minus y. अब मुझे बोलो
तुमने एक्स नेगेटिव लिया है, इसलिए प्लस लोगे या माइनस लोगे? नॉट पॉसिबल, वही उसी में भी आऊंगा। ये पहले बस पहले मुझे ये बोलो प्लस लोगे या माइनस लोगे यहाँ पे, ये देख के बोलो। माइनस, तो मैं माइनस लूंगा। देखो अब हम लोगों के साथ ना एक बड़ा कंफ्यूजन है, तुम लोग माइनस वाई को क्यों हर समय नेगेटिव सोच रहे हो? माइनस वाई हर समय नेगेटिव होता है ये कौन कहता है? दिमाग में एक बार तुम वाई का वैल्यू माइनस टू डाल के देखो तो रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा? वाई का वैल्यू माइनस टू डाल के देखो, y का वैल्यू अगर मैं माइनस टू डालूंगा तो ये क्या बन जाएगा? रूट ऑवर ऑफ क्या? माइनस टू, तो पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो इसका मतलब है तुम केवल ये माइनस साइन को क्यों देखो? माइनस साइन के साथ एक प्रॉब्लम है ना कि उसके साथ एक वेरिएबल भी है, वो वेरिएबल क्या है? तो रूट ऑवर कब डिफाइन होगा? तो इसलिए ये कब डिफाइन होगा? ये तभी डिफाइन होगा अगर रूट के अंदर का आर्गुमेंट, रूट के अंदर का आर्गुमेंट क्या है? वाई इज नॉट द आर्गुमेंट रे, आर्गुमेंट पूरा जो चीज रहता है। तो रूट के अंदर का आर्गुमेंट क्या है? वाई या माइनस वाई? माइनस वाई, माइनस वाई। तो मुझे क्या होना पड़ेगा? मेरा माइनस वाई को पॉजिटिव होना पड़ेगा। मगर माइनस वाई कब पॉजिटिव होगा? जब वाई क्या आएगा बोलो? नेगेटिव, वाई नेगेटिव। तो अब देखो तुम्हें दो चीज मिला, हाँ ऑनलाइन क्लास है जरा ध्यान से देखोगे, वाई में तुम्हें दो चीज मिला। पहला तुम्हें मिला कि वाई पॉजिटिव है, सेकेंड में तुम्हें मिला वाई नेगेटिव है। तो मिला के तुम मुझे बोल पाओगे क्या? क्योंकि ए यूनियन बी दोनों में से कोई एक होगा, तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है? माइनस y नेगेटिव या y पॉजिटिव होता है? अरे या तो पॉजिटिव है या तो नेगेटिव है, तो तुम बोलोगे y क्या है? पूरा का पूरा r, और y अगर r है तो यही तो कोडोमेन था, तो कोडोमेन इज इक्वल टू क्या हो गया? रेंज। तो क्या बोलोगे? y इज ऑन टू लंबा समय, टेक योर टाइम। आज मैं काफी स्लो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, ठीक है? मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं पढ़ाता हूँ मैं स्लो, जो लोग पहली बार कर रहे हैं, मगर मैं कहीं से स्पीड में चीजें कभी कभी लेकर चलता हूँ। मगर मुझे नेक्स्ट क्लास में तुम लोगों से बात करना है क्लास के अंदर, फिर उसके बाद, ठीक है? तो मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं एकदम प्रेशराइज नहीं कर रहा हूँ कि तुम स्कूल क्लास में आओ, वो तुम्हारे ऊपर है। ऑनलाइन क्लास में श्योर शॉट लूंगा, हाँ, क्योंकि थ्रेट रियल है। हाँ threat is real, huh? How we are handling it, that is something different, okay? But threat is real. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो। और life में हर समय मेहनत करो, ये बात बहुत important है। मतलब मैंने जब master degree किया ना, उसके बाद लगातार मुझे 4 साल तक ऑप्शन मिला था कि मैं पीएचडी कर सकता था, मगर मैं ट्यूशन पर आता था, अच्छे से पैसे आ जाते थे, है कौन करेगा, यही ठीक है। मगर मैं तुम्हें अभी बोलता हूं, इस पैंडेमिक सिचुएशन में मेरे फ्रेंड लोगों ने क्या, मैं कहीं मैं बहुत दुखी नहीं हो रही, क्योंकि मेरा एज काफी निकल चुका है, मैं कॉर्पस अमाउंट इकट्ठा कर चुका हूं अपना, मैं एकदम मगर तुमसे शेयर कर रहा हूं ये बात, हाँ, क्योंकि कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि पैंडेमिक जैसा कुछ हो सकता है, चीजें ऑनलाइन, इतना ज्यादा चीज हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। मगर आज के डेट में फिर मुझे कभी लगता है पीएचडी कर लेता तो ज्यादा बेटर था, हो सकता है कि आराम से पीएचडी कर लेता तो किसी यूनिवर्सिटीज, नहीं तो किसी आईआईटीज में आराम से, ठीक है? अभी एक प्रोफ अच्छा ही था, ऑनलाइन क्लास इतना मेहनत भी नहीं करना होता है और गवर्नमेंट पेमेंट भी देता है, जिससे भी तुम पूछ लो, हाँ, जिसके पास ऑप्शन था, हाँ। तो इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ, हाँ, कि ऑप्शन को हर समय ध्यान से सोचो, लो अभी, हाँ, मत सोचो ये, और ये पैंडेमिक ने केवल यही चीज सिखाया है कि काइंडली टेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, हाँ। और पढ़ाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ। और नहीं मानते हो तो मुझे बोलो, वो गिटारिस्ट का क्या हालत है जो गिटार बजाता था उस स्विमिंग पूल में, जो कोच था, हम लोग तो तब भी बच गए, हाँ, क्योंकि हम लोग जो पढ़ा रहे हैं सबको पढ़ना पड़ रहा है, ठीक है? तो इसलिए स्टूडेंट्स आएंगे ही, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, स्टिल हम लोग बच गए, हाँ। उसमें मेरा एज, मेरी बच्ची भी काफी बड़ी हो चुकी है, हाँ। मगर उस वक्त मेरे प्रोफेसर मुझे कहते थे डिसीजन तुम्हारा गलत है,
क्या गलत है, अरे जिंदगी है, अरे क्या चलता है, हर समय ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हर समय ट्यूशन तो मिलते ही रहेंगे, मगर अभी वो हालत नहीं देख रहे हो ना क्या हालत आ गया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ टेक द राइट डिसीजन, ओके टेक द राइट डिसीजन। लास्ट ईयर और एक डिसीजन फिर मैंने गलत किया, मैं सॉफ्ट हो गया था अपने स्टूडेंट के ऊपर, ये मान के कि पेंडेमिक खत्म हो जाएगा, वो गलत डिसीजन था मेरा, उसके कारण तो होता है, हाँ चलो ठीक है जो होता है चलो, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ समझ में आ गया। तो तुम्हारा हालत तो देखो, मेरे पास तो एक अच्छा डिग्री है ठीक है, मगर तुम्हारे पास तो अभी क्लास 12 का भी डिग्री नहीं है, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या कर पाओगे, कहाँ जा पाओगे, तो इसलिए ये साल को अच्छे से यूटिलाइज करो, मेहनत करो, मतलब बहुत बच्चे लोग मेहनत नहीं करके बोलते हैं अरे मुझसे नहीं होगा, प्लीज हाँ मैंने आज 2 घंटा तुम्हें पढ़ाया, घर में बैठ के 4 घंटा पढ़ो ना, 4 घंटा घर में बैठ के पढ़ो ना, 4 घंटा पढ़ने के बाद जब समझ में नहीं आता है तब मुझे बोलो, हाँ मैं मानता हूँ, मगर तुम लोग पढ़ोगे नहीं और बोलोगे सर मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये तो तुम तब पीछे हट रहे हो ना। और अब तो जो सिस्टम आ रहा है वो सिस्टम है मेरे ख्याल में अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर कुछ है तो वो पढ़ाई है, वही बचाता है, इस सिस्टम ने यही बताया कि वो बचाएगा तुम्हें। मैं अब आगे चल रहा हूँ, लिख लिया तुम लोगों ने सर लाइन नंबर 25 में वाई लेस देन इक्वल टू नहीं होगा, वही तो इक्वल टू में क्या चिंता है, अगर मैं इक्वल टू यहाँ पे लगाता तो नीचे भी होता, समझ में आया, क्योंकि मैं ऑलरेडी ऊपर लगा चुका था, यहाँ लगाता तो यहाँ पे भी हो जाता, इज इट ओके, मतलब बात सेम ही होगा, बात तो सेम ही है ना रे, तो अगर मैं यहाँ लगाऊंगा तब मैं यहाँ पे लगाऊंगा, अगर मैंने यहाँ पे नहीं लगाया तो यहाँ पे मैं नहीं लगाऊंगा, अंतर क्या है, क्योंकि एक बार तो 0 ले चुके हो ना। अच्छा ठीक है सर, एक बार जब तुमने 0 से, तुम 0 से इन्फिनिटी यूनियन अपर इंटरवल 0 से लेके जाओ, मतलब तुम माइनस इन्फिनिटी से 0 लेके जाओ, यूनियन 0 से इन्फिनिटी लेके जाओ, या तुम माइनस इन्फिनिटी से 0 लेके जाओ, यूनियन 0 से इन्फिनिटी लेके जाओ, बात क्या होने वाला है, सेम होने वाला है ठीक है। तो इसीलिए प्लीज टेक द राइट डिसीजन, अच्छे से मेहनत करो ठीक है, अच्छे से मेहनत करो, और कहीं मुझसे जो हेल्प हो पाएगा मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ तुम लोगों के साथ। चलो आगे चलते हैं, हाँ और एक सम है बोर्ड लेवल का, मगर वो मैं तुम लोगों को, ठीक है, वो सेम टाइप का सम है, मॉड एक्स बाय 1 प्लस एक्स या एक्स बाय 1 प्लस मॉड एक्स, एनसीईआरटी में है, हाँ ये मैं आज तुम लोगों को करने के लिए दूंगा, ये सॉल्व भी है मेरे, मैंने जो तुम्हें बोर्ड लेवल का असाइनमेंट शीट दिया है एग्जैक्टली सेम तरीके से तुम्हें करना होगा, ट्राई करके एक बार देखोगे, नहीं होगा तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में पूछोगे तो मैं बता दूंगा, पर दो, क्योंकि बोर्ड में केवल 2 ही सम है, तो एक सम तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, एक सम मैं खुद कर लेता हूँ, ये सब मैं करवा दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो, मगर लॉजिक यही है। अब इनवर्स भी निकालना है तो अब जरा इनवर्स देखोगे, इनवर्स का क्या तरीका था, कोई बोलेगा इनवर्स का क्या तरीका था, ठीक है तो अब तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई तो मैंने कर दिया ना, देखो ना ये वाला, और ये वो मैं जस्ट तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा था, ठीक है, इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है, मैं ये ऐसा नहीं है, हाँ कि अरे बाप रे, अब सर ने कहा कि हाँ सर ट्यूशन करा रहे हैं एकदम बहुत दुखी हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, मैं आई एम जस्ट गिविंग वन एग्जांपल ना, आदमी ईगो के कारण एग्जांपल अपना कभी भी लाइफ में नहीं देता, मगर मैं मानता हूँ कि एक टीचर जब खुद का एग्जांपल देता है दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल फॉर द स्टूडेंट हर समय, हाँ तो इसलिए मैंने तुम्हें कहा कि आज के डेट में मैं बोल रहा हूँ, हाँ आज के डेट में कभी कभी लगता है बस, हाँ कि अरे वो ज्यादा बेटर था क्या कि इस ऑप्शन से, क्योंकि अभी पेंडेमिक के कारण जो एक डर लग रहा है, ठीक है। एक्स इजिकल टू रूट ओवर वाई डिफाइन बाय वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ माइनस वाई वाई लेस देन 0, यही इनवर्स था या नहीं एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, तो इसका मतलब है कि अगर मैं तुमसे एफ इनवर्स वाई पूछूंगा तो एफ इनवर्स वाई कैसा दिखेगा एक्स वाई के टर्म में, तो क्या इसे तुम ऐसा नहीं लिख सकते हो, अगर वाई पॉजिटिव है तो ये कैसा दिखेगा बोलो, तुम बोलोगे सर ये कहां से आया, ये ऊपर से आया रे, अब यही एक प्रॉब्लम होता है ऑनलाइन में, हाँ तो इसलिए वो तुम रिकॉर्डिंग में देख लोगे, हाँ क्योंकि हम लोग यही करते थे एक्स को वाई के टर्म में लेके आते थे, मगर यहाँ पे 2 केस है मेरे पास, और एक क्या आया माइनस ऑफ रूट ओवर ऑफ माइनस वाई, वाई अगर नेगेटिव है, अगर एफ इनवर्स वाई है तो एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, हल्ला हो रही तो मुझे बोलो, मैं एकदम बेकार चीज पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, मैं जानता हूँ, मगर मुझे तुम्हारा आवाज सुनने से मुझे
कॉन्फिडेंस आता है और कुछ नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, ये इनवर्स कैसे निकालोगे? इनवर्स का तरीका क्या था, दोबारा कोई बोलेगा क्या? एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो बस हो गया, खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। आगे चलूं? यस बोल देना सर, रुकिए थोड़ा, मैं रुक जा रहा हूँ, मुझे बोल देना। सर हो गया, चलो ग्राफ कैसा दिखता है, ग्राफ ऑफ मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले y इक्वल टू मॉड x, तो ये था, जब x पॉजिटिव था तो ये x था, जब x नेगेटिव था तो ये माइनस x था। y इक्वल टू x मेरे ख्याल में हर कोई जानता है, वो एक स्टेटमेंट होता है। x का पॉजिटिव होना, ये x का पॉजिटिव होना, केवल x का पॉजिटिव होना, ये वाला कौन सा एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा, और x का नेगेटिव होने से कौन सा एक्सिस देगा, ये नेगेटिव x एक्सिस देगा। तो इसका मतलब तुम्हें क्या मालूम है कि x पॉजिटिव x एक्सिस में है, तो फंक्शन y is equal to x है, तो ये वाला ग्राफ, ये ग्राफ निकला y is equal to x, और जब तुम नेगेटिव x एक्सिस में है तो माइनस x, तो ये वाला ग्राफ, तो ये ग्राफ हुआ y equal to minus x, तो v जैसा दिखता है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो इसीलिए अगर मैं तुमसे कभी पूछूं x माइनस थ्री, अब देखो ये ना, इसे कई बार तुम लोग कई किताब में इसे टर्निंग पॉइंट भी, जो क्रिटिकल पॉइंट मैंने बोला था उसे टर्निंग पॉइंट भी देखोगे, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन टर्न कर रहा है। मॉड x कहाँ पे टर्न कर रहा है, क्योंकि इसका क्रिटिकल पॉइंट जीरो था। x माइनस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, x माइनस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, थ्री। तो अब ये कैसा दिखेगा, तो अब ये v3 में बन जाएगा, मतलब क्योंकि यहाँ पे x 3 से बड़ा है, तो इसलिए ये y is equal to x minus 3 होगा, क्योंकि ये वाला पोर्शन वो पोर्शन है जहां पे x 3 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे जब तुम y का वैल्यू देखोगे तो वो 3 minus x हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, और भी ग्राफ में जाऊंगा, खत्म नहीं हुआ यहाँ पे। हाँ सर, सर एक और बार ग्राफ सिखा दीजिए तो मेरा वो हो गया। मेरा कहना है कि जब x, जब जब x, जब x पॉजिटिव है तो y कैसा दिख रहा है, x x y इक्वल टू x कैसा लाइन था, ये लाइन था या नहीं, इज इट ओके, ये लाइन y इक्वल टू x है, और y इक्वल टू माइनस x कैसा लाइन है, ये लाइन y इक्वल टू माइनस x है, मगर ये x हर समय है, मगर क्या मॉड x हर समय x होता है, हाँ या ना बोलो ना, नहीं मॉड x कब x होता है बोलोगे तो अच्छा लगेगा, जब x ग्रेटर इक्वल जीरो, मतलब पॉजिटिव x एक्सिस, तो ये वाला केस लेगा, ये वाला आया समझ में, ये हो गया। मगर जब x नेगेटिव है तो मॉड x क्या ले रहा है, जब x नेगेटिव है तो मॉड x क्या वैल्यू ले रहा है, माइनस x, तो माइनस x मतलब ये वाला ले रहा है, ये वाला है, तो प्लस में ये वाला ले रहा है, माइनस में ये वाला ले रहा है, तो कॉम्बाइंड ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा, आया समझ में। हाँ सर, मतलब क्रिटिकल पॉइंट के उधर चेंज कर रहा है, वहां पे चेंज करेगा क्रिटिकल पॉइंट में। अब x माइनस थ्री का क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, थ्री, तब इसका ग्राफ कैसा हो जाएगा, ये v टाइप का थ्री में बनेगा, क्योंकि y इक्वल टू थ्री माइनस x और y इक्वल टू थ्री प्लस x। आगे चलो रे, यस सर, मुझे लग रहा है तुम लोगों को कहां प्रॉब्लम है, यहां पे भी प्रॉब्लम है कर्व स्केचिंग में, वेट अ मिनट।
ऑनलाइन क्लास है क्लास टेंथ, वाई इज इक्वल टू 3x + 5 कैसे बनाते थे? मुझे जो याद है ऐसे बनाता था मैं जब क्लास टेंथ में था। x को 0 ले रहा था तो y को 5 और y को 0 ले रहा था तो x माइनस 5/3, लिखने का जरूरत नहीं है। हाँ या ना, ऐसे बनाते थे? Yes, sir. x 0 y 5 तो ये वाला पॉइंट 0, 5 एक माइनस 5/3, 0 इसमें तो किसी को डाउट नहीं है, नहीं क्या? ये दो पॉइंट को ज्वाइन कर देते थे। आज मैं स्ट्रेट लाइन में इसलिए स्ट्रेट लाइन बताऊंगा, ये क्लास टेंथ है, लिखने का जरूरत नहीं है। अब यही चीज अगर अब मैं तुमसे बोलता हूं कि मेरे पास एक ऐसा फंक्शन है, ये बनाओ x माइनस 3 अगर x 0 से छोटा है, अब वो सबको भूल जाओ, मॉड को भूल जाओ, हाँ, और अगर x 0 से बड़ा है तो ये 3x - 3 तो ये कैसा दिखेगा? रुक जाओ, दो मिनट रुक जाओ, 5x - 3 ये कैसा दिखेगा? मैं जानबूझ के कंटिन्यूअस फंक्शन ले रहा हूं अभी, हाँ। तो x अब नेगेटिव है तो कैसा वैल्यू है? तो इसलिए अब एक तो तुम लोग मुझे कुछ मुझे प्लॉट करूंगा, मैं प्लॉट कर रहा हूँ, हाँ, एफ ऑफ जीरो में फंक्शन क्या वैल्यू ले रहा है मुझे बोलोगे? एफ ऑफ जीरो में क्या वैल्यू ले रहा है? यहाँ पे डालोगे ना, डाल के बोलो -3। चलो तो जीरो में तुम्हें वैल्यू मिल गया -3, मगर सर इससे तो बनेगा नहीं, हाँ ठीक है, किसी और एक जगह निकालो। एफ ऑफ -1 में कौन सा ब्रांच लेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला। तो अगर ऊपर वाला ब्रांच लेगा तो क्या वैल्यू होगा? -4। तो -1 में ये -4 हो गया। मगर तुम जानते हो कि दो पॉइंट से एक ही स्ट्रेट लाइन जा सकता है, और क्योंकि ये एक्स में लीनियर है तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा, ये ऐसा ग्राफ होगा, होगा या नहीं? मैंने ज्वाइन कर दिया, मैंने ये दोनों को ज्वाइन कर दिया। अच्छा, अब मुझे इसमें आना है, तो जीरो में तो मुझे मालूम चल गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो में क्या है? अच्छा, इक्वल टू ही दे देता हूँ। यहाँ पे जब तुम एफ ऑफ जीरो ले रहे हो तो क्या हो रहा है? -3। हल्ला हो सकता है, मैं कह रहा हूँ हल्ला हो सकता है, हल्ले का चिंता मत करो। एफ ऑफ वन क्या हो सकता है? थोड़ा लेट भी बोल सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, लेट, किसी का माइक स्पीड होता है किसी, हाँ, टू। तो एफ ऑफ वन 2 आया, थैंक्स। तो एफ ऑफ वन का वैल्यू 2 आया, तो ये और ये, तो ये वाला होगा या नहीं? समझ में आया? Yes, ये इसका ग्राफ है। तो मतलब क्योंकि यहाँ पे दो, क्योंकि ये ब्रांचिंग है तो मुझे दो ब्रांच में ड्रॉ करना पड़ा, जब x नेगेटिव है और जब x पॉजिटिव है। तो उसी लॉजिक से अब मैं कह रहा था कि f of x जब mod x है तो कैसा दिखेगा तब? इसमें तो ब्रांचिंग है ना, x पॉजिटिव है तो x, या तो माइनस x। तो अगर x पॉजिटिव है मतलब ये वाला केस में पॉजिटिव है तो कैसा दिखेगा? ये वाला लाइन y इक्वल टू x, और यहाँ पे x नेगेटिव है तो ये कैसा दिखेगा? y इक्वल टू -x। आगे चल रहा हूँ, हाँ, ये लिखने का जरूरत नहीं है। तो अब तुम्हें कभी कभी बोला जाएगा कि तुम ड्रॉ करो ये वाला फंक्शन, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉड ऑफ x प्लस 3। दो सम आता है, एक सम आता है कि इसे ब्रेक करो, तो इसे ब्रेक करो तो मेरे ख्याल में ब्रेक करना मैंने अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, याद है? इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या होगा? 3 और -3। तो रियल लाइन को ब्रेक करोगे, एक -3 और एक 3, लीडिंग कोएफिशिएंट, 1, 2, 3। तो 1 के पहला केस क्या लोगे, x किससे छोटा? -3 से कम, तब f of x कैसा दिखेगा? मॉड ऑफ x माइनस 3, तो ये आर्गुमेंट पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव, क्योंकि x माइनस 3 से छोटा है, तो ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव, x प्लस 3 भी नेगेटिव। कोई भी एक वैल्यू डाल के देख लो ना, -4, तो नेगेटिव में जब मॉड हटेगा तो ये क्या हो जाएगा? 3 - x, और ये क्या हो जाएगा? -x - 3, तो ये और ये कैंसिल करो, -2x। सेकंड केस क्या लोगे, कहां से कहां तक? -3 से 3 तक। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्योंकि ये वाला चीज लास्ट, इससे पहले ऊपर वाले में करवा दिया गया, हां, x 3 से होगा तो फिर ये तुम्हारे पास इसका उल्टा साइन हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो इसका मतलब f of x तुम्हें कैसा दिखा? तब f of x तुम्हें ऐसा दिखा, -2x, कब -2x,
माइनस ट्वाइस एक्स तुम्हें कब दिखा, जब एक्स के ऊपर एक्स किससे छोटा, तो माइनस थ्री से लेके थ्री तक कैसा दिखा? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सिक्स, और अगर एक्स थ्री से बड़ा है तब कैसा दिखा? अब इसी को ड्रॉ करता हूं, तो ड्रॉ करने के लिए तो मुझे वैल्यूज चाहिए होगा, तो अब वैल्यूज ना मेरा कहना है कि तुम प्लीज, हाँ हल्ला हो सकता है और किसी को डाउट है तो मुझे बोलोगे, कुछ कुछ नए स्टूडेंट्स है डाउट हो सकता है आज पूछने में शर्मा हो, मगर शर्माना गलत बात है, मैं बार बार यही बोलूंगा। थ्री में कौन सा वैल्यू लेगा? तुम बोलोगे सर ऊपर वाला नीचे वाला दोनों में इक्वल टू है, दोनों सेम वैल्यू दे रहा है, ध्यान से देखो थ्री में वैल्यू क्या हो रहा है एक्स का सिक्स, और थ्री में यहाँ पे भी जब तुम एक्स का वैल्यू थ्री डालोगे तो ट्वाइस एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है सिक्स, तो थ्री में क्या वैल्यू हो रहा है सिक्स, फोर में क्या वैल्यू हो रहा है बोलो, फोर में एट, फोर में कौन सा वैल्यू होगा? ये वाला वैल्यू लेगा, एक्स थ्री से बड़ा है तो टू फोर जाए एट, एट, और डॉक तो ये ब्रांच नंबर ए दे देता हूं, तो ये ब्रांच ए बन गया। अब ब्रांच बी, ब्रांच बी कहां से कहां तक है? माइनस थ्री से, थ्री में तो तुम्हें सिक्स मिल ही चुका है, तो माइनस थ्री में क्या होगा? सिक्स ही होगा, थ्री में सिक्स, सिक्स ही होगा, तो ये सीधा लाइन हो जाएगा, होगा या नहीं? yes, तो ये, yes, क्योंकि तुम्हारे पास ये है और ये, और दो पॉइंट से कितना स्ट्रेट लाइन जा सकता है, एक ही यही वाला, तो सीधा भी एक स्ट्रेट लाइन है, हाँ ये बी बन गया। अब सी में जाते हैं, अब माइनस फोर में कौन सा ब्रांच लेगा, क्या सी ब्रांच लेगा, हाँ या ना? माइनस फोर का मतलब क्या हुआ, ये एक्स माइनस थ्री से छोटा है तो माइनस फोर में इसका वैल्यू बोलो क्या हो रहा है, माइनस फोर में वैल्यू क्या हो रहा है, पुट अप करके देखो एट, तो माइनस फोर में एट हो रहा है, तो ये वाला, ये वाला, तो क्या ग्राफ ये नहीं हुआ, हाँ या ना? यही चाहिए था, किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं जान रहा हूं बहुत डाउट होगा, ठीक है बहुत डाउट होगा इसलिए और एक सम करवाऊंगा, ठीक है ऑनलाइन में मुझे मालूम रहता है, एटलीस्ट अभी अगर 30% समझ में आया तो रिमेनिंग 30% नेक्स्ट सम में समझ में आएगा, और 40% के लिए तुम्हें खुद भी करना पड़ेगा। सर हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर y is equal to कुछ मॉड है तो उसका ग्राफ हमेशा v ही आएगा? हाँ बोल। नहीं 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 जरूरी नहीं है रे, हर समय मॉड में वी नहीं आता है, हाँ अभी यहीं पे माइनस दे देता तो वी नहीं आता, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ अभी अब मैं करवा ही दूंगा वाला, तो ठीक लिखना दफ्तर का क्या हुआ, लिखना है तो लिख लो, तीन मिनट का टाइम देता हूँ। तुम लोग के बैच में आज स्लो है रे, तुम लोगों में से कोई अगर जेट्री देखेगा तो बोलोगे सर जेट्री में तो उस दिन आपने इनइक्वालिटी भी करा लिया, फलाना भी करा दिया, वो ऑफलाइन क्लास था, हाँ ये ऑनलाइन क्लास है, पहला ऑनलाइन क्लास है, मैं ज्यादा चीज नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है वो उस वो मैं मैनेज करवा दूंगा, हाँ दोनों को। लिखना है तो लिख लो, ठीक है मैं और एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। चलू आगे? yes, sir. चलो और एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा, मगर ध्यान से सुनोगे एक चीज, जब मैं ग्राफ ध्यान से सुनो, जब मैं ग्राफ बना रहा था, अगर मुझे ग्राफ ही बनाना है
तो मुझे तो बस प्लॉट करना है ना रे, ये ब्रेकआउट करना बेकार बात था या नहीं? तुम्हें फोर का वैल्यू डालने के लिए इतना ब्रेक करने का क्या जरूरत है? क्या तुम फोर का वैल्यू डायरेक्टली यहां पे नहीं डाल सकते थे इस वाले में? हाँ या ना? हाँ सर। अगर तुम्हें प्लॉट करना है, अगर तुम्हें प्लॉट करना है तो ये तो मैं टाइम बर्बाद कर रहा हूं तुम्हारा, नहीं इसका अपना इंपॉर्टेंस है मैं जानता हूं इनइक्वालिटी में फलाने में, मगर यहां पे क्या जरूरत है? तो इसीलिए हम लोग क्या, मेरा क्या कहना है कि अगर मुझे प्लॉट ही करना है केवल, तो जस्ट गेट वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट एंड पॉइंट्स इन एक्सट्रीम इंटरवल। तुम बोलोगे सर ये एक्सट्रीम इंटरवल का मतलब समझ में नहीं आया, आएगा समझ में अभी तुरंत आ जाएगा। सपोज एफ ऑफ एक्स का वैल्यू मैं ले रहा हूं मॉड एक्स प्लस मॉड एक्स माइनस वन, माइनस टू मॉड एक्स प्लस वन, एकदम आसानी लेता हूं, एक्स माइनस टू लेने से एकदम आसान और भी आसान कैलकुलेशन हो जाएगा। भैया अब मुझे बोल क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है? जीरो माइनस ठीक है, तो जीरो में वैल्यू बता जीरो मॉड ऑफ जीरो माइनस वन वन, मतलब क्या हो जा रहा है जी, एक्स का वैल्यू जीरो, ये जीरो और ये माइनस वन, ये माइनस वन और ये कितना माइनस टू और माइनस, तो माइनस फोर, तो माइनस वन माइनस, तो कितना है माइनस फाइव आया। एफ ऑफ वन में क्या आया सर? माइनस वन प्लस वन नहीं हो जाएगा किस वाले में? और ये माइनस वन प्लस वन हो जाएगा, मैंने गलत किया, प्लस वन माइनस फोर, तो ये माइनस थ्री हो जाएगा। थैंक्स, लिखना ही ज्यादा अच्छा ना, ये लिखना ही ज्यादा। जीरो में क्या मिला? जीरो प्लस वन माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री। एफ ऑफ वन क्या आया? वन प्लस जीरो माइनस टू टाइम्स ऑफ वन माइनस टू, तो माइनस टू, तो माइनस वन आया। और एफ ऑफ टू क्या आया? टू प्लस टू माइनस वन प्लस जीरो, तो टू प्लस वन थ्री, ये तीन वैल्यू तुम्हें मिल गया। तो अगर तुम कैलकुलेट, अगर तुम बनाना चाहोगे तो जस्ट थोड़ा सा मुझे टाइम दो। ये जीरो है, ये वन है, टू। एफ ऑफ जीरो में वैल्यू क्या ले रहा है? माइनस थ्री। एफ ऑफ जीरो में माइनस थ्री ले रहा है। एफ ऑफ वन में क्या ले रहा है? एफ ऑफ वन में माइनस वन ले रहा है। एफ ऑफ वन में माइनस वन ले रहा है, तो ये वाला। एफ ऑफ टू में क्या ले रहा है? एफ ऑफ टू में थ्री ले रहा है, तो ये वाला। तो ग्राफ ऐसा, फिर ये ग्राफ ऐसा। मगर एक प्रॉब्लम है ना रे, तुम्हें यही दो पोर्शन में मिला, तुम्हें और एक पोर्शन चाहिए, तो यहाँ के लिए क्या करोगे? अब समझ में आया ये लैंग्वेज? पॉइंट इन क्या मैं बोल रहा हूँ, बोलो, एक्सट्रीम इंटरवल। तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है? टू से इन्फिनिटी। अब टू से इन्फिनिटी में कोई भी एक वैल्यू निकालो, तुम्हारे ऊपर है, कोई भी। टू से इन्फिनिटी में ठीक है, एट ही ले लेता हूँ जो तूने बोला, एट। तो मॉड एक्स क्या हो गया? एट प्लस एट माइनस वन सेवन, माइनस टू ऑफ एट माइनस सिक्स, तो ये हो जाएगा एट प्लस सेवन थ्री फिफ्टीन, माइनस ट्वेल्व इक्वल टू क्या है? थ्री। तो मतलब एट में भी थ्री है। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा? Yes. अब इस वाले में एक्सट्रीम इंटरवल और एक है, कोई बोलेगा कहां से कहां तक? लेस देन जीरो। ये वाले में चाहिए मुझे, तो अब ये वाले में कोई भी एक जगह देख लो, तो माइनस वन में ही देख लेना, वो करके देख लेना। हाँ, एफ ऑफ माइनस वन मुझे मालूम है माइनस थ्री आएगा, तो माइनस थ्री आया, तो ये वाला। अब समझ में आया, ये तो वी शेप नहीं है, इसका शेप समझ में आया? ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा और फिर ऐसा। किसी को लिखना है तो लिख लो, मेरे ख्याल में आप समझ में आया होगा थोड़ा सा। प्लॉट करने के लिए क्या है? गेट द वैल्यूज एट क्रिटिकल पॉइंट, और केवल एक पॉइंट में चाहिए होगा एक्सट्रीम इंटरवल्स में। हाँ बोल, कोई कुछ बोल रहा था सर? नहीं, मैं बोल रहा था कि अगर एफएक्स बस एक बार ही मॉड दिया है, एक बार ही कुछ मॉड में दिया है, तब तो वी आएगा हर समय, या तो ऊपर वाला वी होगा माइनस ऑफ मॉड एक्स होगा, तो नीचे वाला वी होगा, हर समय वी होगा। टाइम दे देता हूँ, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो लिख लो। तो मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो।
खूब मेहनत करो। चलूं आगे? सर थोड़ा रुके। ठीक है, रुकता हूं तो थोड़ा सा, मैं बस पानी पी के आ रहा हूं। तो आगे चलूं? यस सर। सर अपना वो विवेकर पूरा नहीं हुआ था। विवेकर पूरा नहीं हुआ था क्या? क्या बाकी था सर? एक तो मतलब दो रूट जब रिपीट होता है वो वाला बाकी था। तो इवन पावर नहीं करवा सके जब? तो चलो वो क्लास में करवा दूंगा, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज जरूरत भी नहीं उसका। ये क्योंकि आज मॉड करवाना तो मॉड ही करवा देता हूँ। ठीक है, अब मोमेंटम चेंज हो जाएगा अगर वहां पे जाऊंगा तो। हाँ सॉल्व। हाँ चलो सॉल्व, या एकदम बाद में, पहले ये खत्म कर देता हूँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा खींच लूंगा। सॉल्व भाई यहीं पे बता दूंगा वो अलग भी। हाँ मॉड हटता है तो एक प्लस माइनस एक्स आता है, तो कभी सॉल्व करने के लिए तुम्हें बोला जा सकता है टू माइनस मॉड ऑफ थ्री माइनस एक्स इज इक्वल टू सपोज फोर। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर पहले अभी मुझे लग रहा है मैंने कहा था क्या करोगे अगर ये मॉड को हटाओगे तो क्या आएगा? ये या तो प्लस टू माइनस थ्री माइनस एक्स दो वैल्यू देगा, या तो फोर नहीं तो क्या थ्री माइनस माइनस फोर। तो इसका मतलब माइनस ऑफ थ्री माइनस एक्स का वैल्यू फोर माइनस टू टू, और यहाँ पे माइनस ऑफ थ्री माइनस एक्स का वैल्यू माइनस सिक्स। तो माइनस को अगर उस साइड लेके जाओगे तो थ्री माइनस एक्स का वैल्यू माइनस टू और थ्री माइनस एक्स का वैल्यू सिक्स। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। नो सर, जैसे सर्कल किया है मैंने, नहीं नहीं। क्या ये रेड वाला पॉसिबल नहीं है? क्यों? क्योंकि रेड वाले में तुम देख रहे हो ये तो हर समय पॉजिटिव होगा, मगर लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में देखो नेगेटिव है, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये तुम्हारा नेगेटिव क्वांटिटी हो गया। मॉड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है ब्लू वाला? क्या ब्लू वाला पॉसिबल है? हाँ ब्लू वाला पॉसिबल है। क्यों? क्या देगा? थ्री माइनस एक्स या तो सिक्स या तो माइनस सिक्स। तो फिर इससे एक्स का वैल्यू निकालो, वो तुम्हारा काम है। लिखना है तो लिख लो दो मिनट में, इसमें तो मैं 45 सेकंड्स ही दे रहा हूँ। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था तो इसलिए, और बीच में कुछ अलग चीज करवा रहा था तो इसलिए एक बार ये करवा दिया। खूब मेहनत करना है, खूब मेहनत करना है तुम्हें भी और तुम्हारे साथ मुझे भी। पेंडेमिक हो पेंडेमिक ना हो, ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो, मैं हर समय ऑफलाइन करना पसंद करूंगा, मगर गवर्नमेंट का एक मजबूरी है। सेकंड बात है भैया, मेरे इंस्टीट्यूट, मेरा इंस्टीट्यूट जो है वो पूरा मेन जीएस रोड में है, रिपोर्टर्स घूमते ही रहते हैं वहां पे, दो दो सेंटर मॉल है कि उसका न्यूज देने के लिए अचानक आ जाएंगे तो फिर ठीक है। गवर्नमेंट ट्यूशन सेंटर का परमिशन नहीं हटा देगा। ठीक है, यही सब छोटी छोटी चीजें मैं जो बोल रहा हूँ सर, मैं यही सब छोटी छोटी चीजें, मतलब एकेडमिक ठीक है मगर ट्यूशन सेंटर चलाने से जो एकेडमिक के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव में भी काम देना पर माथा लगाना पड़ रहा है। चलो आगे चलता हूँ मैं। हाँ मैं, तुम हर समय ये काम नहीं कर सकते हो। हाँ तुम्हें, अब मैं सेकेंड टाइप में जा रहा हूँ कि तुम्हें कभी कभी यू हैव टू ब्रेक, हाँ यू हैव टू ब्रेक द मॉडुलस, मतलब एट क्रिटिकल पॉइंट। तो ऐसे भी सॉल्व करना होगा, जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्व करो मॉड एक्स माइनस टू प्लस थ्री टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस फाइव,
तो अब यहाँ पे तुम वो प्लस माइनस लगा के कर सकते हो घर में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मगर फिर क्रॉस चेक करना होगा, मगर मैं वो बहुत हैपहज़र्ड मेथड हो जाता है। मुझे ज्यादा बेटर ये लगता है कि वी विल ब्रेक इट। तो ये कहाँ कहाँ ब्रेक होगा, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिला? टू और वन, टू एंड वन, एक एक्स टू और एक एक्स वन। तो रियल लाइन को ब्रेक करो, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं मैं क्या करूंगा। मैं लेफ्ट हैंड साइड को ना, लेफ्ट हैंड साइड को मतलब ये ब्लू वाले को ना, ये ब्लू वाले को मैं क्या करने वाला हूं, जैसे ऊपर अभी मैंने ब्रेक करना ब्रेक किया था, ब्रेक करके मैं आंसर निकाल लूंगा। राइट हैंड साइड वाले में तो मॉड है ही नहीं, तो चिंता ही नहीं, अगर होता तो और एक ब्रेक करता। तो मैं पहला केस ले रहा हूं, मगर इस घर में घुसने से पहले मैं एक चीज मान रहा हूं कि x मेरे पास 1 से छोटा है। अगर x 1 से छोटा है तो x माइनस टू पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। अगर x 1 से छोटा है तो x माइनस टू नेगेटिव, और x माइनस 1 भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। तो ये बना 2 माइनस x, उल्टा हो जाएगा, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस x इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस फाइव। तो इसका मतलब 2 माइनस एक्स प्लस 3 माइनस थ्राइस एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस फाइव। 2 प्लस 3 5 माइनस 4 एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस 5। तो 5 5 को कैंसिल करो, x का वैल्यू क्या आया? 0। मगर रुक जाओ, क्यों सर? इस घर में घुसने से पहले तुमने एक दरवाजा माना, ये दरवाजा है, दरवाजा क्या है घर का बोलो? x लेस देन 1, लेस देन 1, लेस देन इक्वल 1। क्या ये इसे सेटिस्फाई कर रहा है? 0। यस यस सर। ठीक है, तो ये सेटिस्फाइज दिस, इट इज अ सॉल्यूशन। आया समझ में? तो हर इंटरवल में तुम देखोगे, अब किस इंटरवल में देखना होगा बोलो, बोलो ना। 1 से 2, 1 से 2, 1 से 2 तक, 1 से 2। जगह नहीं है यार, कॉपी नीचे लेके चलता हूं, पेस्ट। तो चल शुरू करते हैं 1 से 2 में। तो x अगर 1 से लेके 2 तक है, केस 2, तो मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस 3 ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू ट्वाइस x प्लस 5। तो 1 से 2 में x माइनस 2 पॉजिटिव या नेगेटिव? x अगर 1 से लेके 2 तक है तो x माइनस 2 नेगेटिव, x अगर 1 से लेके 2 है x माइनस 1 क्या? पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो x माइनस 2 का मॉड, मॉड अगर हटेगा तो क्या बनेगा? 2 माइनस x, 2 माइनस x प्लस 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 equal to 2x plus 5. Positive. So this implies 2 minus 1, 1 plus 2x. मगर ये एक अजीब चीज मिला, देख क्या मिला? Sir, 2 minus 3x होगा. 2? Sir, 2 minus 3 वो minus 1 होगा क्या? नहीं, 2 minus 3, तो ये minus 1 होगा, thanks. So minus 1 equal to 5, क्या ये possible है? No, नहीं, तो मतलब इस रेंज में एक भी सॉल्यूशन नहीं है। और एक इंटरवल बाकी रहा क्या, देखो तो 2 से इनफिनिटी, अगर x 2 से बड़ा है, तो अगर x 2 से बड़ा हुआ है तब क्या होगा? अगर x 2 से बड़ा तो ये भी पॉजिटिव, और तब ये कैसा दिखा? दोनों पॉजिटिव। x माइनस 2 प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, 3x प्लस x 4x माइनस 5 is equal to twice x plus 5, मतलब twice x is equal to 10, मतलब x equal to 5। मगर क्या इसे satisfy कर रहा है? Yes. Yes sir. हाँ या ना? Yes sir. हाँ, तो ठीक है, ये solution है। तो hence कितने solution मिले? एक 5 और एक क्या बोलो? 0। तो this equation has 2 solution। तो किसी को लिखना है तो लिख लो, चीजों को ऐसे break करोगे। देखो इस topic में और एक चीज अच्छा है, इस topic में मेरे पास already white board में किया हुआ मेरा uploaded है, हाँ? वो मैं वो भेज दूंगा तुम लोग को, हाँ। तो अगर तुम्हें व्हाइट बोर्ड में दिखाई देता हूँ मेरे ख्याल में, दो वो लिखने का टाइम दे रहा हूं, 2 मिनट रुको। क्या हुआ?
स्पेस आ गया। तो इन्फिनिटी फॉर मैथ अगर खोलोगे, अगर नेट मेरा भी ठीक ठाक है तो देखो हाँ, तो जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड नहीं किया सबसे पहले में लिंक भी मिलता है, हाँ डाउनलोड द ऐप, ये क्लिक करते ही ऐप डाउनलोड कर पाओगे। नीचे जाओगे तो वीडियोस फॉर बोर्ड एग्जाम, वीडियोस फॉर बोर्ड एग्जाम खोलोगे, तुम लोग जेनिट बैच में हो 2022 अपीयरिंग का खोल, ठीक है। ये तो एंट्रेंस लेवल है तो अभी एंट्रेंस में जाना होगा। वीडियोस फॉर एंट्रेंस, तो वीडियोस फॉर एंट्रेंस में 12th एंट्रेंस में जाओगे, 12th एंट्रेंस में जाओगे तो थ्योरी क्लास, तो अगर देखोगे तो तुम्हें ये दिखेगा फंडामेंटल फंक्शंस, अभी देखना नहीं है। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी मॉडुलस क्लिक करोगे, आज मैंने मॉडुलस इक्वालिटी करवाया है, क्लिक करोगे नीचे आ जाएगा। यही सब सम करवाए हैं हाँ या नहीं, आज यही सब करवाया ना, देखो यही सब सम करवा है, ठीक है। और ये सम का नीचे मिल जाएगा इस टाइप से अगर खोलोगे तो, हाँ तो ये सब यहाँ पे ज्यादा सम्स करवा, क्योंकि यहाँ पे क्या ये मेरे लिए ज्यादा आसान होता है यहाँ पे चीजें, हाँ तो तुम लोग इस टाइप से यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया तो मेरे वेबसाइट में जाके, अब मैं तुम्हें ये लिखने का टाइम दे रहा हूँ, मैंने जो सम किया ये लिखना है तो लिख लो। ब्रेक द मॉडुलस बोलोगे तो नीचे लेके चले जाऊंगा, ठीक है। ये पेज के लिए एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो बोलोगे। तो ब्रेक द मॉडुलस एट क्रिटिकल सीपी, और मेरा कहना है कि बस वही याद रखना है, ब्रेक द मॉडुलस एट क्रिटिकल पॉइंट, कुछ और सुना चीज याद रखना है, काम वहीं पे खत्म हो जाता है। आगे चलूं, ये लिखना है ना, लिख लो, ये लिख रहे हो कोई, लिख लो। मैं एक काम करता हूँ, रुक जाओ, इसे थोड़ा ऊपर लेके चले जाता हूँ। अब ठीक है, आगे चलूं, बोल देना रे। हाँ सर, ओके ओके, तो लिखना ये नीचे के लिए। ओ मैं टाइमर, मेरा टाइमर नहीं है, अच्छा ठीक है चलो रुक जाओ, मैं 30 सेकंड का एक टाइमर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पीड में लिख लो सब कुछ, कैलकुलेशन लिखने का जरूरत नहीं है रे। हाँ तुम लोग में से कोई बोलेगा सर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, तब भी थोड़ा मुश्किल है, हाँ क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि कुछ नहीं लिखने से तुम लोग नेटफ्लिक्स देखते हो, हाँ लिखने से ही तुम ये देख रहे हो, नहीं वरना वो नेटफ्लिक्स हो जाता है और नेटफ्लिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम है।
निकलू आगे ना, हो गया होगा, रुक जा दो मिनट रुको। अब मैं आता हूं मॉडुलस इनइक्वालिटी में। तो मॉडुलस इनइक्वालिटी का एक मॉडुलस इक्वालिटी का दो तरीका है जो तुमने अभी देखा, या तो चीजों को ब्रेक करोगे या तो डायरेक्टली लगाओगे। अब इनइक्वालिटी में आ रहा हूं, इनइक्वालिटी के लिए तो आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा, ठीक है, मगर थोड़ा सा सीख लो। हाँ, तो सबसे पहला जो है वो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं बाय ब्रेकिंग, क्योंकि ऊपर अभी हम लोगों ने क्या ही था, वही वाला मॉडुलस एट क्रिटिकल पॉइंट। जैसे अगर मैं तुमसे कहता हूं कि सॉल्व करो मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज लेस देन फोर एक्स प्लस फाइव, ठीक है, तो कहां कहां ब्रेक करोगे? फोर थ्री थ्री, इसमें और कोई तरीका नहीं है। टू और थ्री में तुम ब्रेक करोगे, टू में ब्रेक करोगे, थ्री में ब्रेक करोगे, पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। तो केस वन, केस वन तुम ले रहे हो कि एक्स अगर टू से छोटा है तब मॉड ऑफ एक्स माइनस टू प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री इज लेस देन फोर एक्स प्लस फाइव। एक्स अगर टू से छोटा है तो एक्स माइनस टू पॉजिटिव या नेगेटिव? एक चीज बार बार पूछ रहा हूँ, एक चीज तुमसे बार बार पूछ रहा हूँ, दो मिनट। हाँ चलो, क्या नेगेटिव और एक्स माइनस थ्री भी क्या negative. तो नेगेटिव में अगर मॉड हटेगा तो मॉड एक्स माइनस टू क्या हो जाएगा तब? ये टू माइनस एक्स प्लस, तुम भी बोलोगे सर बोर कर दिया आज यही चीज करवाते करवाते, मगर इम्पोर्टेंट है, तुम्हें इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा जब एंट्रेंस हम लोग पूरा पूरी फंक्शन शुरू करेंगे। तो फाइव फाइव को कैंसिल करो, मिला माइनस सिक्स एक्स इज लेस देन जीरो, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन जीरो। मगर एक्स ग्रेटर देन जीरो तो मिला, मगर इस घर के अंदर घुसने से पहले कुछ एज्यूम क्यों ना रे? इस घर में घुसने से पहले तुमने कुछ अज्यूम किया है क्या? इस घर में घुसने से पहले मतलब, क्योंकि तभी तो तुमने वही सोच के तो तुमने मॉड को ब्रेक किया ना कि एक्स किससे छोटा है? टू से, तो एक्स जीरो से बड़ा मगर एक्स टू से छोटा, तो कहां से कहां तक होगा एक्स? तब जीरो से टू तक। ये चीज समझ में आया? क्योंकि ये समझ में आ गया तो अब बस इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा नंबर टू और नंबर थ्री में। ये जानना, ये पूरा कैलकुलेशन तभी संभव था जब x तुमने 2 से छोटा माना है, तो सॉल्यूशन ये थी ना होगा कि x 0 से बड़ा 2 से छोटा भी होना पड़ेगा। सेकंड केस कहां से कहां तक है, दिख ही रहा है 2 से 3। तो केस 2 मैं लेता हूं 2 से लेके 3 तक, तो 2 से लेके 3 तक मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इज लेस देन अगर 4x प्लस 5 है, तो 2 से 3 तक x माइनस 2 क्या? पॉजिटिव। मगर 2 से 3 तक x माइनस 3 क्या? नेगेटिव। तो जब हटाओगे तो ये आएगा 2 माइनस x प्लस, सॉरी मैंने गलती कह दिया, इस वाले में तो ये पॉजिटिव है तो x माइनस 2, ये वाला नेगेटिव है तो 3 माइनस x इज लेस देन 4x प्लस 5। तो x x कैंसिल करो, 3 माइनस 2 क्या? 1 इज लेस देन 4x प्लस 5, तो इसका मतलब 4x इज इक्वल टू 4, तो x किससे बड़ा? 1 से। मैंने गलती लिख दिया, इसका मतलब हाँ वो माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू x, तो इसका मतलब अगर माइनस से तो इसका मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना? 4x, सॉरी, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 1। मगर x माइनस 1 से बड़ा ठीक है, मगर क्या कुछ है क्या? बट क्या, कहां से कहां तक? 2 से 3 तक। तो क्या बोलोगे?
x तो ठीक है, x माइनस वन से बड़ा है तो टू से थ्री आएगा, तो x कहां से कहां तक, टू से थ्री दो से तीन तक, टू से थ्री तक। तो इसको नंबर a ले लो, इसको नंबर b ले लो, और एक नंबर केस थ्री, केस थ्री आएगा x थ्री से अगर बड़ा है तो, तब x माइनस टू प्लस x माइनस थ्री लेस देन फोर एक्स प्लस फाइव, x अगर थ्री से बड़ा है तो x माइनस टू पॉजिटिव पॉजिटिव, तो x तो डायरेक्टली मॉड हटेगा, फोर एक्स प्लस फाइव तो x प्लस एक्स ट्वाइस एक्स, तो माइनस ट्वाइस एक्स इज लेस देन मतलब x ग्रेटर देन माइनस टेन, बट x किस से बड़ा, थ्री थ्री से, तो हैंस क्या मिला तब, इसका मतलब x किस से बढ़ाना पड़ेगा, थ्री से, नंबर सी। तो ध्यान से देखो और वाला केस है ना रे, केस वन में ये मिला और ये तो और है ना, या तो ये होगा, तो केस टू में तुम्हें ये मिला और केस थ्री में तुम्हें ये मिला, तो आंसर क्या होगा तब, आंसर तुम्हारे पास जो होगा वो होगा ए भी चलेगा, नहीं तो बी चलेगा, नहीं तो सी। तो कहां से कहां तक, ए है एक्स जीरो से लेके टू तक, बी है बी 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 टू से लेके थ्री तक, यूनियन सी ग्रेटर देन, तो मिला के क्या होगा, जरा बुद्धि लगाना रे, जीरो से टू तक, जीरो से इन्फिनिटी, टू से थ्री और थ्री से इन्फिनिटी, तो तुम्हारे पास ओपन इंटरवल जीरो टू इन्फिनिटी, खेला खत्म। मैं फिर से कह रहा हूँ थोड़ा सा डाउट हो सकता है रे इनइक्वालिटी में। हाँ मैं सर केस थ्री एक बार देखिए तो सर, हाँ बोलो सर, कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है सर, माइनस टेन माइनस टू माइनस फाइव होगा, और ये माइनस फाइव होगा, ठीक है थैंक्स, ठीक है तुम्हारा आंसर में तो सही है, थैंक्स रे किसी को। हाँ तो मॉडुलस इनइक्वालिटी नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, आज बस एक बार बस बता दिया क्या है, हाँ इस चीज को मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, मैं आज इक्वालिटी में इंटरेस्टेड था, लिखना है तो मगर ये लिख लो प्लीज एक बार। हाँ तो नेक्स्ट क्लास उसको मैं अपने इंस्टीट्यूट में मिलूंगा, और जो लोग ऑनलाइन करना चाहेंगे, मगर ऑनलाइन में मतलब क्या है ना कि देखता हूँ वो तुम्हारा देखते हैं, चलो पहले आओ तो ऑफलाइन में आओ ना, तो फिर ऑनलाइन में बात करेंगे। मेरे स्ट्रिक्ट होने से कुछ नहीं होगा ना, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं इसलिए मैं अननेसेसरी तुम्हें नहीं बोलूंगा, अरे तुम अगर टू बी सबमिटेड सीट सबमिट नहीं करोगे, तुम बोलोगे सर आपका क्या जाता है, आप क्या कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मैं हर समय कह रहा हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ मैं बस तुम्हें प्रेशर दे सकता हूँ, वो प्रेशर तुम फील करोगे नहीं या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम उस प्रेशर को फील कर पाओगे तो मेरे ख्याल में तुम्हारे लिए बेटर होगा, फील ऐसा मुझे होता है कि हाँ, तो उस प्रेशर को फील करने का एक अभ्यास बनाओ। अच्छा बोर्ड कराऊंगा तो ठीक है, ये बैड लक है कि एंट्रेंस का फर्स्ट क्लास हम लोगों का ऑनलाइन हुआ, सेम चीज मैंने जेट थ्री बैच में बोला था कि यार कि बड़ा इम्पोर्टेंट है कि पहला क्लास हमारा ऑफलाइन हो, दैट इज ऑलवेज बेटर, फिर उसके बाद ऑनलाइन होने से चिंता नहीं होता है उतना। नीचे कर दीजिए थोड़ा, तुम सबको अगर जेट लिंक तो सबको मिल ही गया था ना, किसी एक को लिंक नहीं मिला था, प्रज्ञान को लिंक नहीं मिला था मेरे को ना, जेट फाइव उसको नाम आया है नहीं, प्रज्ञान जेट फाइव आया ना को बाद में लिंक भेजा था, इप्सिता को तो मिल जाता है, सिवाय प्रज्ञान आगे चलूं सर, थोड़ा रुकिए, ठीक है जैसी बैस तुमसे आ गया, हाँ क्योंकि आज पहला ऑनलाइन क्लास है, तो मैंने मतलब उस वहां पे इनइक्वालिटी करवा दिया है। हाँ
हो जाना, हो जाने से बोल देना। ओके सर, चलो चलो आगे चलता हूँ। वेविकर में इवन पावर वाला नहीं बताया था, हाँ तो जरा सा वेट कर लो ना, वेविकर हाँ खत्म ही कर देते हैं, तो उससे क्या होगा कि मुझे कल डीपीपी भेजने में आसानी होगा तुम लोगों को। हम ये इसमें डाउट है तो अभी मैं डाउट लूंगा, हाँ किसने घर में सम किया है तो मुझे मेरे इस नंबर में 7086055 के व्हाट्सएप में फोटो खींच के भेज दोगे डाउट है तो। इस वाले में याद है हम लोगों ने क्या किया था, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में हमें दो केस मिलता था, क्या एक टू, एक माइनस टू और एक क्या टू, लीडिंग ऑप्शन देखता था पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। मगर कभी कभी क्या हो सकता है कि तुम देखोगे कि जैसे x माइनस वन में मैंने पावर होल स्क्वायर दे दिया, x माइनस थ्री में होल क्यूब दे दिया और x माइनस फाइव का पावर फोर दे दिया और ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कर रहा हूं, तो इसमें रूट्स क्या क्या होंगे, वन थ्री फोर, वन थ्री फोर, वन थ्री और फोर, कौन कौन सा रूट इवन नंबर ऑफ टाइम आया है, ये वाला जो है इसका मतलब वन कित बार आया है, होल ना वन एक बार नहीं आया दो बार, तो इसलिए इसे इवन लोगे। थ्री कितने बार आया है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ये वाला जो प्लस माइनस प्लस था ये ऑड नंबर ऑफ टाइम्स के लिए लगता था ये वाला, हाँ अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो तुम जैसे रूट को क्रॉस करोगे वो साइन चेंज करेगा। फोर कितने बार आया है कोई बोलेगा, बोलेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, इवन है even. तो फिर से वही वाला लॉजिक लगाओगे, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी तक लिख लोगे, वन थ्री फोर इक्वल टू है मतलब सब रूट्स का वैल्यू हो सकता है, ऑड के नीचे कुछ लिखना नहीं है, इवन के नीचे इवन लिखना है। अब मेरा कहना है कि x माइनस फोर टू दी पावर फोर जो है फोर होने के कारण ये वाला जो फंक्शन है ये हर समय पॉजिटिव होगा, हाँ या ना, केवल ये फंक्शन जो मैंने ब्लू में बंद कर दिया है, x माइनस फोर होल टू दी पावर फोर ये अपना साइन कभी चेंज नहीं करेगा क्योंकि इसका पावर फोर है, इसका पावर अगर फोर है तो ये कभी भी अपना साइन चेंज नहीं कर पाएगा। मतलब अगर तुम ये पॉजिटिव लोगे, लीडिंग ऑप्शन पॉजिटिव है तो इवन को जब क्रॉस करोगे तो वो अपना साइन सेम रखेगा, जो रूट इवन नंबर ऑफ टाइम आया है उसे जब मैं क्रॉस करूंगा तो वो हर समय साइन सेम रखेगा। थ्री ऑड नंबर ऑफ टाइम आया है तो ये माइनस हो जाएगा, मगर अब जब मैं फिर से वन को क्रॉस करूंगा वन इवन नंबर ऑफ टाइम्स आया तो ये भी क्या आएगा, माइनस ही। मुझे क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो पॉजिटिव कहां से कहां तक है कोई बोलेगा, x 3 से इनफिनिटी, मगर क्या इक्वल टू जीरो दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोलो हाँ या ना, अगर इक्वल टू जीरो दिया हुआ है तो वन भी तो पॉसिबल है, मगर वन इसके अंदर आ नहीं रहा है इसलिए यूनियन वन लिखना होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, यहां से शुरू करो और मैं बताऊंगा, हाँ मैं तीन चार और बताऊंगा तो क्लियर हो जाएगा, मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखो रूट्स निकालोगे, रूट्स वन आया थ्री आया फोर आया, इवन नंबर वन और फोर आया, पुट अप करोगे, जब वो रूट जो इवन नंबर ऑफ टाइम आया उसे जब क्रॉस करेगा तो फंक्शन अपना साइन चेंज नहीं करता है, तो ये पॉजिटिव था। फोर क्योंकि इवन नंबर ऑफ टाइम आया तो वो साइन चेंज नहीं करेगा, थ्री ऑड नंबर ऑफ टाइम आया वो साइन चेंज करेगा, वन इवन नंबर ऑफ टाइम आया वो साइन चेंज नहीं करेगा। ये वाला चीज ध्यान से देखो, वन क्यों इंक्लूड हुआ, मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो चाहिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहां से लेके यहां है, मगर वन में फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, अगर मैं इस इनइक्वालिटी में वन डालूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, हाँ मुझे बोलो ना, इस वाले इनइक्वालिटी में अगर मैं एक्स का वैल्यू वन डालूंगा तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, मगर अगर इसका वैल्यू जीरो, अगर इसका वैल्यू जीरो हो रहा है तो भैया जीरो होने के कारण तो वो पॉसिबल है, मगर थ्री से इन्फिनिटी में वो इंक्लूडेड नहीं है इसलिए उसे इंक्लूड कर दिया गया। लिखना है तो लिख लो, आगे चलो। Yes, sir. तो मतलब जो
रूट रिपीट कर रहा है, जैसे अब मैं तुमसे कभी देखो क्या पूछ रहा हूँ, एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो। अब मुझे बोलोगे एक्स का रूट क्या होगा, एक्स का रूट क्या होगा, चुप हो गया, तो एक्स का रूट ई टू दी पावर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो का रूट क्या होगा, ई टू पावर एक्स वन कब होता है, जीरो और एक्स माइनस टू जीरो कब होगा, तो देखो जीरो दो बार आ रहा है, समझ में आ रहा है sir. कोई कुछ हाँ पूछ sir, पहले वाले में वन क्यू इंक्लूड हो रहा था, लास्ट हाँ, वन तो मुझे बोलेगा इस इनइक्वालिटी में तू जब वन का वैल्यू डालेगा तो इसका वैल्यू क्या हो रहा है, डाल के देख इसमें x का वैल्यू वन डाल के देख क्या वैल्यू हो रहा है, फर्स्ट में जीरो, तो जीरो इनटू एवरीथिंग जीरो, क्या इसमें इक्वल टू है, इक्वल टू है, तो वन पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, पॉसिबल, मगर क्या वन इसमें इसमें इसके अंदर आ रहा है वन, नहीं, तो इसलिए इसे यूनियन अलग से दिया, आया समझ में, ओके सर, क्योंकि ये तीनों पॉइंट होना चाहिए था ना, होना चाहिए था ना, तू जब यहां से लेके यहां तक जा रहा है तो ये वाला पॉइंट छूट जा रहा है, तो इसलिए अलग से दे दिया मैंने, अब ये देखते हैं ठीक है, तो अब यहां पे बोलो इसका रूट क्या आया, एक्स जब जीरो था इसका रूट क्या आया, जब एक्स जीरो था, मगर जीरो कितने बार आया, दो बार, जीरो कितने बार आया, दो बार, तो दो बार, तो इसका मतलब है जीरो के नीचे वन आ जाएगा, मगर टू तो हो नहीं सकता क्योंकि टू किसका रूट है, डिनोमिनेटर का, जीरो हो सकता है क्योंकि न्यूमरेटर का रूट है, अब लीडिंग कोएफिशिएंट बोलो क्या है, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट इस पूरे का ई टू डी पावर एक्स पॉजिटिव, तो क्या आया पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आया, तो ये पॉजिटिव के बाद नेगेटिव, नेगेटिव के बाद मैं इवन वाले को क्रॉस कर रहा हूँ जो इवन नंबर ऑफ टाइम्स है, नेगेटिव, मुझे चाहिए क्या, पॉजिटिव और जीरो, तो ये तो आ गया पॉजिटिव में, मगर जीरो में एक चीज बच रहा है कौन सा, तो इसलिए कहां से कहां तक, एक्स जीरो बच रहा है, टू टू मगर डिनोमिनेटर का रूट है इसलिए ओपन इंटरवल आएगा, कहां से कहां तक, टू से इनफिनिटी, यूनियन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख लो सर, ऊपर वाला, हाँ बोल सर, ऊपर वाला क्वेश्चन में स्क्वायर का मतलब हमें लीडिंग कोएफिशिएंट लेने के टाइम सिर्फ एक्स देखना होता है या फिर एक्स के ऊपर जो पावर होता है वो भी देखना होगा, अगर मैं तुझसे पूछूंगा 1 माइनस एक्स होल टू दी पावर 2 इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं है क्योंकि नेगेटिव के साथ जब तुम स्क्वायर बोलोगे तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, ओके, यस सर, चल ठीक है, डाउट है क्या किसी का, लास्ट क्लास का, इसे और थोड़ा सा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, यहाँ पे तो बता दिया, डाउट है नहीं है सर, है सर, डाउट है डीआईपी का भेज दे, और जिनका डाउट नहीं है वो निकल जाए, डाउट भेज दो, एक साथ में डाउट खत्म ही कर देता हूं,
सर हम भेजा है क्या? हाँ सर आपको व्हाट्सएप में भेज दिया है. सर वो जो DIP 5 दिया था आपने, DIP 5 का तो मुझे नंबर बोलते थे सर 45811. सर उसमें से सर 11 क्वेश्चन में से सिर्फ दो ही करेक्ट हुआ मेरा. ठीक है कोई पंगा नहीं है यार, ठीक है इसीलिए तो सीख तो 44 नहीं आया ना. नहीं सर तो बताया भी तो नहीं है 4 नहीं, दो में निकालना अभी तक कहाँ सीखा है, मगर मैंने तब भी ठीक है हम लोग देख सकते हैं LN x माइनस 4 का ये होल स्क्वायर है. तो देखो क्या क्या हो सकता है, ये का इसका डोमेन क्या होगा, लॉग का डोमेन था ग्रेटर देन 0 तो x ग्रेटर देन 4 आया. हाँ सर इस मगर होल स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव नॉन नेगेटिव. अब यहां पे नॉन नेगेटिव बोलना जरूरी है क्यों सर, क्योंकि ये दो केस देगा. अगर ये वाला पॉजिटिव है तो इसे भी क्या आना पड़ेगा, पॉजिटिव. हाँ पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का मतलब था मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है. ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, जीरो. तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इज लेस देन इक्वल टू जीरो. तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर लेस देन इक्वल टू जीरो. तो एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 to 4. समझ में आया? हाँ सर. मगर एक चीज देख, अगर ये पॉजिटिव नहीं हो गया, अगर ये जीरो हो जाए तो इट कैन बी एनीथिंग. होगा या नहीं? हाँ सर. क्योंकि इट कैन बी एनीथिंग इनटू जीरो क्या देगा हर समय, जीरो. तो ये कब जीरो होता है, ln x माइनस फोर जीरो कब होता है? ये तो तब होता है जब x माइनस फोर का वैल्यू क्या होता है, 1. मतलब अगर x का वैल्यू क्या है बोलो सर, ये कैसे हुआ ln ये वाला जीरो? क्यों, कोई भी चीज ln x जीरो कब होता है, कोई भी चीज तो तभी जीरो था ना जब x का वैल्यू 1 था. सर मतलब उसका बेस का कोई कंडीशन नहीं रहेगा, जीरो जीरो में तो कोई बेस का कंडीशन नहीं था ना. log x जीरो होने से x का वैल्यू 1. ओके सर ठीक है, बिकॉज़ a टू द पावर 0 इज ऑलवेज 1. ओके सर. तो इसका मतलब देख ध्यान से सुन क्या सोचना है, कि अगर ये वाला पोर्शन, अगर ये वाला पोर्शन तेरा जीरो हो गया तो इस वाले तब इस रेड वाले में तेरे पास कोई भी कंडीशन का जरूरत नहीं है, नहीं क्या? हाँ सर. लॉग डिफाइन होना जरूरी है, तो तुम्हें क्या मिला, इसलिए x एक बार 4 से बड़ा मिला, फिर x कहां से कहां तक मिला, 2 से 4 क्लोज, 2 से 4, और फिर x क्या मिला, 5. तो अब इसका मतलब हुआ x तो 4 से बड़ा होना ही पड़ेगा, इसलिए 4 क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा. हाँ x को 4 से बड़ा होना ही पड़ेगा क्योंकि डोमेन होने के लिए द सम ऑफ इंटीजर्स, कुछ मैंने गड़बड़ किया क्या, देखो 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 x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 तो x माइनस 2. ओ सॉरी रे ये मॉड है, मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे एक मॉड है, यहाँ पे मॉड है सॉरी. तो मॉड होने से तब तो फिर डोमेन में अलग कंडीशन आ जाएगा ना रे, क्या मॉड तो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, नहीं क्या? हाँ सर. तो बस एक ही पॉसिबिलिटी है कि x 4 नहीं हो सकता है, क्यों? फिर वो जीरो हो जाएगा, लॉग जीरो हो जाएगा. तो x 4 नहीं हो सकता है, x 2 से लेके 4 तक x 5 हो सकता है. इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 से लेके ओपन इंटर 4 यूनियन 5. आया समझ में? हाँ सर. और उसके बाद कौन सा था सर, ये DIP का क्वेश्चन है क्या? हाँ ये DIP का क्वेश्चन. सर मुझे ये वाला DIP नहीं मिला. लॉरेंस ये वाला DIP मतलब तुझे मतलब मैं डाल सकता हूँ इस DIP में, मगर ये मेरे उन बंदों का DIP है जो लास्ट ईयर तूने एंट्रेंस में पढ़ा है मैथ्स थोड़ा. हाँ सर. नहीं तू तुझसे नहीं बात कर रहा हूँ, सोम तुम्हें जानता हूँ, लॉरेंस से पूछ रहा हूँ, वो नया. हाँ सर. तो लॉरेंस को तब मैं तुझे उसी वाले बैच में डाल देता हूँ, तुझे पुराना DIP मिलने लगेगा तब. ठीक है? हाँ ठीक है सर. चलो ठीक है. तो मैं मतलब ये वो ठीक है, तो जो लोग तुझे R1 में डाल देता हूँ, तो ये DIP मिल जाएगा तुझे अभी. हाँ कोई क्लास खत्म होने के बाद बस मुझे एक बार मैसेज कर देना. हाँ और कौन सा बोल सर, 5 वाला का आंसर मैच नहीं कर रहा है सर, an इनटू n टू द पावर n इनटू n प्लस 1 बाय 2 आ रहा है. रुक जा, क्वेश्चन नंबर DIP 5 का क्वेश्चन नंबर 5.
an का वैल्यू क्या है? समेशन जीरो से लेके एन तक, मतलब वन बाय, ये तो लिख सकता हूं, हाँ सर, वन बाय एन सी एन तक। तो मुझे बी एन का वैल्यू निकालना है। बी एन का वैल्यू क्या है? आर इक्वल टू जीरो, तो जीरो डिवाइडेड बाय एन सी आर, तो एन सी जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय एन सी वन, एन माइनस वन डिवाइडेड बाय एन सी एन माइनस वन। एक ट्रिक है रे, हाँ ये सब हेरिस्टिक अप्रोच है, हाँ कोई कॉन्सेप्चुअल अप्रोच नहीं है। तू एक फॉर्मूला जानता है, एनसीआर इक्वल टू एनसी एन माइनस आर था, हाँ सर, ये अगर मैं इस सब डिनोमिनेटर में लगा दूं तो कैसा दिखेगा बी एन का वैल्यू, बोल पाएगा मुझे तब? ये कैसा दिखेगा, जीरो डिवाइडेड बाय एनसी जीरो में अगर मैं ये फॉर्मूला लगा दूं तो कैसा दिखेगा? एनसीएन, एनसीएन उसके बाद वाले में लगा दूं तो कैसा दिखेगा? एनसीएन माइनस वन, खेला खत्म। अच्छा समझ में आ रहा है, क्या कर सकता हूँ अब जब मैं ऐड करूंगा तो क्या करूंगा, इसको इसके साथ ऐड कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर सेम है, हाँ सर, ऊपर एन मिल गया, हाँ सर, ब्लू वाले को ब्लू वाले के साथ ऐड कर देता हूँ, क्या मिलेगा? वन वन, और फिर से इस ग्रे वाले को ग्रे छोड़ दूं, हाँ सर, तो जब तुम ऐड करोगे तो क्या फायदा होगा? ठीक है, तो करके देख लेना एक बार, ठीक है, मतलब फिर ऐड, मतलब इसको इसके साथ ऐड कर देना, इसको इसके साथ ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर। हां और कुछ बोल सर, फिर इसे घबराना नहीं है सर, नहीं हुआ सर, नहीं नहीं होने से नहीं घबराना है प्लीज सर, वैसा होने से फिर सम देने में मुझे प्रॉब्लम हो जाएगा, टफर सम। हां बोल सर, 8 और 11 सर वो मल्टीपल चॉइस होता है, ठीक है, 8 मैं सीरियसली कहूं, 8 में जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा ये सब चीजों को याद रखना, ठीक है, ये सेम चीज पैराबोला में हो सकता है, ये सेम चीज इलिप्स में हो सकता है, एक तरीका है, हाँ एक तरीका है, क्या कह रहा है, ए और बी एक सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं क्या, ए और बी इसे सेटिस्फाई कर रहा है, साथ में क्या कह रहा है, ये जो लाइन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये किसे टच कर रहा है, एक सर्कल, एक फिक्स सर्कल को, फिक्स सर्कल का मतलब तुझे क्या क्या चाहिए सर्कल का, तो ये सर्कल का सेंटर चाहिए, सेंटर ले लेता हूँ x1 कॉमा y1 और रेडियस ले लेता हूँ r1, ठीक है, या अल्फा बीटा ही ले लेता हूँ, लिखने में मुझे आसानी होगा सर, मतलब तो सर्कल का लेफ्ट वाला इक्वेशन एक सर्कल का इक्वेशन नहीं दिया था, ये एक सर्कल का इक्वेशन नहीं है, ये कंडीशन दिया हुआ है, अच्छा अच्छा, जो a और b सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अल्फा कॉमा बीटा ले लेता हूँ और ये लाइन मुझे मालूम है, ये लाइन का इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा तो ये किसके इक्वल होगा, रेडियस, तो सीएम अगर रेडियस होगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब आ गया, तो मेरे पास ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस वन बाय रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू आर वन, अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस, आगे मैं नहीं करूंगा, आगे तुझे करवाऊंगा, हाँ जब तू इसे सजा के लिखेगा तो ये समथिंग ऑफ ए स्क्वायर आएगा, आएगा, हाँ सर, समथिंग ऑफ ए बी आएगा, समथिंग ऑफ बी स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू जीरो, इसे और इसे कंपेयर कर ले, क्योंकि ये तो दिया हुआ है, ओके सर, इसे और इसे कंपेयर कर ले, तो क्या सपोज तुझे जैसे यहाँ पे क्या मिलेगा, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे तुझे ए स्क्वायर दो बार मिल रहा है, अल्फा स्क्वायर और आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस क्या, आर स्क्वायर, मगर क्वेश्चन में ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 4, तो इसका मतलब है अल्फा स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, तो ऐसे करके बाकी सब निकाल लेगा, हाँ सर, ट्राई करके देख लेना, कुछ और बोल सर, 11 वाला, द सर्कल फलाना एंड फलाना इंटरसेक्ट एट ए एन, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन, अगर ये एस इक्वल टू जीरो है, ये एस डैश इक्वल टू जीरो है, कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन एस माइनस एस डैश इक्वल टू जीरो, कंपेयर कर ले, ओके सर, आया, हाँ सर, इफ थीटा इज द एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन सर्कल, तो कॉस थीटा का एक फॉर्मूला था अपना, आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस आर वन आर टू,
मैं जानबूझ के फॉर्मूला दे रहा हूँ, तू वो उल्टा के देखना कॉपी में, प्रूफ दिया हुआ है फॉर्मूला का, ठीक है? हाँ सर, मगर एग्जाम में वो नहीं करोगे, एग्जाम में फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, ठीक है? ओके सर। लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट, अब लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट या तो इक्वेशन निकाल, नहीं तो मेरा कहना है कि लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये अगर ए है और ये अगर बी है और सेंटर के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, तो ए बी का जो लेंथ होता है वो होता है रूट ओवर ऑफ डी स्क्वायर, ये 90 डिग्री हो जाता है, ये आर वन ले ले तो ये आर टू माइनस आर वन हो जाएगा, तो आर टू माइनस आर वन का होल स्क्वायर, ये एक्सटर्नल टेंजेंट का, ठीक है? और यही चीज अगर इंटरनल टेंजेंट दिया रहता है तो ए बी का वैल्यू होता है, ये अगर ए और ये बी, तो डी स्क्वायर माइनस आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर। तो इंटरनल टेंजेंट में बस एक ही अंतर है, एक्सटर्नल में आर टू माइनस आर वन होता है, इंटरनल में आर वन प्लस आर टू होता है। प्रूफ उल्टा के देख लेना, डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल विच इज पासिंग थ्रू ए एंड बी, तो स्मॉलेस्ट सर्कल जो डायमीटर ए एंड बी से पास करेगा, फैमिली ऑफ सर्कल। अगर दो सर्कल का इक्वेशन तुझे दिया हुआ है तो कॉमन कॉर्ड का तो इक्वेशन निकाल सकते हैं, हाँ या ना? हाँ सर। तो अब कह रहा है तुझे वो सर्कल चाहिए जो सबसे छोटा सर्कल, तो छोटा सर्कल यही होगा, होगा या नहीं? हाँ। तो इसका फैमिली कैसा दिखेगा? नहीं समझ में आ रहा है तो मैं दोबारा कर दूंगा, मैं फिर से हाँ डिटेल में कर दूंगा, और मैं भी तुझे हिंट दे रहा हूँ। हाँ सर। S प्लस लैम्डा S डैश इक्वल टू जीरो, ये समझ में, ये फैमिली समझ में आया? हाँ सर। तो ये फैमिली से थोड़ा सजा के क्या इससे सेंटर निकाल सकता है? हाँ सर। और ये सेंटर जो होगा वो इसे क्या करेगा? सेटिस्फाई, क्योंकि ये इसका डायमीटर है। तो ट्राई करके देखिएगा। हाँ सर। कुछ और? नहीं सर, बस था। ठीक है, किसी और का डाउट है कुछ? यस सर, मैंने भेजा। बाय सर। बाय। ये वाला yes. Let f r2r be defined by f of x इतना, the pre-image of 17, pre-image of 17 का मतलब होता है कि 17 किससे अटैच होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि f of x 17 कब होगा, तो ये निकालना है क्योंकि ये x होगा ना। yes. 17 का प्री इमेज x है, x का इमेज 17 है, तो f of x का वैल्यू तो अब हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस 4, तो ठीक है। किसी और का कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी को? मैंने एक और भेजा था। ठीक है, तो और ये क्या तेरा? ओ ये तो मॉड है, इसलिए नहीं हुआ था आज। अब देख, क्योंकि आज तो हम लोग ने मॉड किया ही है, तो ये वाला ना दे। यस सर। सो एफ एंड जी आर टू फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या, मॉड एक्स प्लस एक्स, मगर x less than 0 है, तो अगर x less than 0 होगा तो mod x कैसा दिखेगा? Negative. तो f of x क्या हो गया? 0 आया समझ में? Yes sir. और g of x का value क्या है? Mod x minus x, तो ये कैसा दिखेगा? Minus x, तो कैसा दिखा? तो अब छोड़ दूं? Yes sir. ठीक है, वो क्योंकि उस दिन mod करवाया नहीं था, इसलिए नहीं पता। Thank you sir. कुछ और किसी का? और किसी का डाउट है कुछ? नहीं।